सोए हुए हाथ को हे हाथ जगा तुम, हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम, मेरी नाव घबर झोले उस पार लगा देना, मुझको अपना लेना, गुरु के बनाया तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सारे हो, तुम सुख के सागर हो, मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, माला जपो तेरी मेरे दोस्त भुला देना, माला जपो तेरी मेरे दोस्त भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना, सेवक हो गुरु चरण का दास हो, मैं संत भुला न मुझे इस जग में अकेला हो, इस जग में अकेला, इस जग में अकेला, मेरे द्वार का भिखारी हो, नहीं कभी से भुला देना, मेरे द्वार का भिखारी हो, मुझको अपना देना, गुरु देव दया करे मुझको अपना देना, जय गुरु देवा गुरु देवा गुरु देवा, जय गुरु देवा जय गुरु देवा जय गुरु देवा, जय जय गुरुदेव चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासदे गुरु भक्त वृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे खड़े हो जाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, अमर ग्रंथ भक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ भक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही है
मंगल की आरती पापियों को पाप से संत गीत पावन पुनीत पाप को मिटा दे वाला हरि दर्श करा दे वाला श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से मधुर गोल जग पंच को सन मार्ग दिखा दे वाला दिग्धी को बना दे वाला महिमा की आरती पापियों को पाप से हटाते जय जय राधा कृष्ण जगन बिना करे मनि मनि सखी गाना मदन मोहन रूपि भक्त सुंदर की हरे राम हरे राम
भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। असुविधा नहीं तो अपना हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरामिधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनिकावतारौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्णकरुणासिन्धौ दीनबन्धो जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्कृते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीते प्रिय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः। तमादि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं श्रुतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया करवोऽभिनेतुं स्तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमान तोस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द सभी पर हाथ लगाओ। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग भी बोल नहीं रहे हो, जोर से बोलो। बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ देखो, आज ये गढ़ी वासियों का बहुत पुण्य है। इसी महीना का नाम आपको पता है क्या है? इसी महीना का नाम बताओ तो बताओ, ये महीना का नाम क्या है? हाँ माता जी ने बताया, कहती ये महीना का नाम है श्री पुरुषोत्तम महीना है। ये पुरुषोत्तम महीना इसका नाम क्यों पड़ा?
साधारण लोग इसी महीना को मलमास कहते हैं, मलमास कहते हैं, क्योंकि हर महीना से कुछ दिन बचते बचते तीन साल में एक ज्यादा महीना हो जाता है। इसलिए ये महीना आए ना, इसको कहते हैं मलमास। मलमास क्यों? मल मतलब जानते हो, हम मल त्याग करते हैं ना, है? इसलिए ये महीना को सबके सब मलमास मलमास मल महीना कहते हैं। और इसी महीना जब आए, देखना कोई ये जगत का व्यक्ति कोई शुभ काम नहीं करता, जैसे शादी विवाह हो, इसी महीना में कोई शादी विवाह नहीं कराते, जैसे कोई गृह प्रवेश हो इसी महीना में नहीं करते, कोई घर बनाना हो इसी महीना में नहीं करते, इसलिए इसी महीना को सबके सब नफरत करते हैं। अभी इसी महीना की जो अधिष्ठात्री अभी वो दुखी हो गया, बोले एकदम मैं आता हूँ तीन साल के बाद में, फिर मेरे को मलमास गंधा मास कहते हैं, कोई बात नहीं। फिर इसी महीना आए ना, कोई अच्छा काम करता है? कोई अच्छा ही काम नहीं करता है। कल ऐसे जीवन रख करके क्या लाभ है? एक दिन दुखी होकर के भगवान के पास में गए, श्री जगन्नाथ जी को पास में, जगन्नाथ जी को नहीं, जगन्नाथ जी रथ यात्रा होगी ना, जगन्नाथ जी कृष्ण ही जगन्नाथ है। बोले ठाकुर जी मेरे को आपने सृष्टि क्यों किया, मेरे को जान से खत्म करना। बोले क्यों, क्या बात है? बोले बात क्या है, आता हूँ तीन साल के बाद, फिर मेरे को मलमास देते, फिर इतना नहीं, फिर कोई अच्छा काम करती थी, इसलिए मेरे को जान से खत्म कर डालो। ठाकुर जी बोले देखो, जब तुमने मेरे शरण में आ गया ना, जब तुम मेरे शरण में आ गया, तुम्हारे जितने दुर्गुण खत्म हो गया, तब तक ये दुर्गुण है जब तक जीव ठाकुर जी की शरण में नहीं आ जाए। अगर ठाकुर जी की शरण में तुम आ गया ना, जितने दुर्गुण तुम्हारे सुगुण बन जाता है। बताओ हनुमान जी कौन सा जाति में जन्म हुए? बंदर है। अगर कोई बंदर किसी घर में घुस जाए ना, बोले भैया घर अपवित्र हो गया थोड़ा, लेकिन हनुमान जी को घर घर में पूजा करता है, पूजा करते कि नहीं हनुमान जी को? जैसे सबरी, सबरी जाति के निकृष्ट जाति है, लेकिन चूंकि उसने प्रभु राम की शरण में आ गई, कहते हैं ना सबसे ऊंचे प्रेम सगाए हैं, इसलिए कहते झूठा बे रे सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंचे प्रेम सगाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। देखो सबरी का झूठा पैर ठाकुर जी खाए, इसलिए तब तक ये अपगुण है जब तक कोई व्यक्ति ठाकुर जी की शरण में नहीं आ जाए। अगर ठाकुर जी की शरण में तुमने आ गया ना, वो तुम्हारी जितने खराब गुण भी श्रेष्ठ बन जाता है। देखो प्रहलाद महाराज जी ये राक्षस कुल में जन्म हुए, लेकिन चूंकि वो ठाकुर जी की शरण में आ गए, वाह सारा दुनिया उनको पूजा कर रहे। विभीषण ये रावण का छोटा भैया, वो भी राक्षस कुल में आए, लेकिन प्रभु राम की शरण में आ गए, भगवान उनको बराबर आसन देते हैं, अपना बराबर आसन देते हैं। इसलिए भगवान कहते देखो, तब तक तुम्हारी अपगुण अपगुण है जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आ जाते हो। ठाकुर जी की शरण में आ जाओ ना, तुम्हारी कितनी खराब गुण क्यों नहीं हो, वो एकदम सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। अगर तुम ठाकुर की शरण में नहीं आओगे, भगवान की भजन नहीं करोगे ना, तुम्हारी जितने अच्छे गुण से बुरा बन जाएगा, तुम्हारी जितने अच्छे से बढ़िया गुण क्यों नहीं हो, उसका कोई कीमत नहीं। आप लोग ने रावण का नाम सुने हो? कौन कौन रावण का नाम सुने हो? सबके सब जानते हो, सबके सब जानते हो। वो सारे वेद को पढ़ने वाला था, सारे वेद जानता था। जब हनुमान जी को बांध करके मेघनाथ लंका में लेकर गया, देखा हे भगवान, देखा उसको पिताजी उसको घर में झाड़ू लगा रहे। हनुमान जी का पिता कौन है जानते हो? हनुमान जी का पिता कौन है? पवन है। देखा उसको घर में झाड़ू लगा रहा था, और अग्नि देवता को देखा घर में कपड़ा धुलाई कर रहा था,
जो नवग्रह को हम पूजा करते हैं ना, देखा घर में बांध करके रखा, साक्षात काल को पैर को नीचे दबा करके बैठा हुआ था, इतने प्रभावी वो रावण था, लेकिन प्रभु की शरण में नहीं आया ना, लंका जल करके राख हो गया। कोई भी दिया देने के लिए उसकी वंश में नहीं रहे। आपको पता होगा साल में एक बार रावण को जलाते ना, जलाते कि नहीं, उसने ऐसे काम किया प्रभु की शरण में नहीं आया ना, इसलिए हर साल उसको जलाते हैं, पुतला बना कर उसे जलाते। क्यों? चूंकि उसने ठाकुर जी की शरण में नहीं आया। लेकिन बीबीसेन ने क्या किया, ठाकुर जी की शरण में आ गया राक्षस होकर के। अभी घर घर में उनकी पूजा हो रही है, घर घर में इनकी पूजा हो रही है। इसलिए ठाकुर जी ने कहा, देख तुमने मेरे शरण में तुमने आ गया है, इसलिए तुम्हारी जितने दुर्गुण हैं वो सारे खत्म। जैसे मेरा नाम श्री पुरुषोत्तम, भगवान का नाम है श्री पुरुषोत्तम है, बोले आज से तेरा नाम भी ये पुरुषोत्तम महीना होगा। तेरे को तो ये दुनिया के लोग नफरत करेंगे, मलमास मलमास कहेंगे, लेकिन जो साधु लोग हैं ना तेरे को बड़े आदर करेंगे, भक्त लोग तेरे को बड़े आदर करेंगे। बोले क्यों आदर करेंगे? बोले कारण है, भक्त लोग तो चाहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा समय मिले और भजन करें। साधारण लोग कहते हैं ना, भाई हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है। लेकिन भक्त लोग कहते भाई हमको टाइम ही नहीं मिलता है, अगर ज्यादा समय हो तो हम क्या करेंगे, ज्यादा माला करेंगे, ज्यादा ठाकुर को सेवा करेंगे, गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, हैं। भक्त लोगों का भावना है ज्यादा से ज्यादा ठाकुर को भजन करो, उनकी भक्ति करो, ठीक है ना। इसलिए ठाकुर जी बोले, देखो हम तुमको आशीर्वाद देता हूँ, ये बच्चे किसके बच्चे, बात नहीं करना, एक इधर 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 बच्चे, बात तो पीछे जाओ, बात करना तो पीछे चले जाओ, यहाँ नहीं, इधर घूम कर बैठो, इधर घूम कर बैठो, मेरे तरफ में देखो। अरे इसलिए भगवान ने वरदान दिया, देखो इसी महीना का नाम होगा श्री पुरुषोत्तम महीना। अगर इसी महीना में कोई एक माला करे ना, उसको 100 माला करने का फल मिलेगा। कितना माला करने का? 100 माला करने का फल मिलेगा। अगर ये तुलसी परिक्रमा तुमने एक बार की ना, 100 बार परिक्रमा करने के फल मिलेगी। इसलिए इसी महीना में, आपको तो इधर पता नहीं चलता है, आप ब्रज में जाओ, 84 परिक्रमा रात भर लोग लगा रहे हैं, रात भर, दिन भर। गिरिराज कहे गए हो कोई इसी महीना में? इसी महीना में गिरिराज गए हो? कौन कौन गए? गए ना इसी महीना में, कितना लोगों परिक्रमा कर रहे हैं, 1000-1000 लोग परिक्रमा कर रहे हैं। वृंदावन को जाओ, देखो ना कितने लोग वृंदावन में परिक्रमा कर रहे हैं, जगह जगह पर भागवत कथा हो रही है, जगह जगह पर सत्संग हो रही है, जगह जगह पर हरि कीर्तन हो रहे हैं इसी महीना में। क्योंकि इसी महीना में जो एक बार भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम ले, भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं, तुम्हारी सारी पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी और तू सीधा मेरे पास में आओगे, सीधा मेरे पास में आओगे। इसलिए देखो इसी महीना में जो माला लिए है ना, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा माला करने के लिए। एक माला करोगे तो 100 माला करने का फल मिलेगा, ठीक है ना। ज्यादा माला करना, थोड़ी सी भागवत कथा तो 7 दिन तक होगी, घर में थोड़ा ज्यादा भागवत कथा सुनना, तुलसी की परिक्रमा करना, इनको दिया जलाना, तुलसी को ठाकुर जी को रोज रोज उनको स्नान कराओ, ठाकुर जी को श्रृंगार कराओ, जितने भक्ति की चीज हो सकती है इसी महीना में ज्यादा से ज्यादा करना, ठीक है। देखो और एक काम करना, क्या करोगे, जो तिलक है ना सबके सब तिलक लगा कर जाना, ठीक है ना, सबके सब तिलक होने चाहिए। और गले में कट्टी है कि नहीं, ये सब उतार कर फेंक मार दिया, कट्टी है ना, इसलिए फालतू नहीं पालतू बन करके आना, ठीक है ना। जब महाराज दूतों को बताया, देखो मेरे जो भक्ति करते हैं उनको पास में मत जाना, बोले पता किसे चलेगा कौन भक्ति करता है नहीं करता है। बताया ना, 2 तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता है। बोले देखना जिनकी है, देखना जो
जो पालतू कुत्ते गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता ये किसी घर की कुत्ते हैं, लेकिन जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ देता। इसलिए हमें फालतू नहीं बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? भगवान की पालतू। ये जम स्वयं कह रही है, जिसकी गले में तुलसी की कट्टी होगी, जम दूत कभी भी आंख उठा करके तुम्हारी तरफ में कभी देखेगी भी नहीं। बोले भैया ये ठाकुर का शरण लिया है, आपका दूर से आपको प्रणाम करेंगे, दूर से आपको प्रणाम करेंगे, सीधा वैकुंठ जाओगे, बोलो तो वृंदावन सीधा जाओगे, ठीक है ना। गले में कट्टी, सबके सब तिलक लगाना और सबके सब माला जप करना, ठीक है इस महीना में, ठीक है। बोले एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण जोर जोर बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और एक बार बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। देखो आप जो हाथ उठा रहे ना, वो विदेशी से भक्त लोग बैठ कर देख रहे हैं, मतलब घड़ी में कथा हो रही ना, विदेश का भक्त लोग उसको देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पर कहाँ, कौन कौन गोपियाँ कहाँ कहाँ पर बैठी है, ठीक है। इसलिए इसी महीना में जो भागवत कथा सुनना, ये बहुत बहुत ही पुण्य है, साधारण पुण्य मत समझो, बहुत बड़े भाग्य की कथा है। इसी महीना में भागवत कथा सुनना, इसलिए हमारे जो बड़े गुरु जी कहते थे, बोले जगत में ऐसे कुछ काम हैं, अगर हमारा पास में पैसा हो जो काम का पैसा के बल पर कर सकते हैं, जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में जन बल हो, कोई मदद करने वाले हो जो काम को हम कर सकते हैं, जगत में ऐसे कुछ काम है, सबसे जो ज्यादा बल है ये मन की बल है, जो काम का मन के बल पर कर सकते हो, लेकिन जगत में सबसे ज्यादा जो बल ये आत्मबल है, जो काम को आत्मा का बल पर कर सकते हो। लेकिन बड़े गुरु जी कहते थे, आप लोगों की जो भागवत कथा सुन रहे ना, आप लोग गरीब वालों ने जो भागवत कथा रखवाया, कहते भैया ये पैसा के बल पर कोई नहीं रख सकते, कोई जन बल पर नहीं कर सकते, कोई मन की बल पर नहीं कर सकते, कोई आत्मा की बल पर नहीं कर सकते। बोले कौन कर सकता है? बोले जिसको ऊपर में बांके बिहारी के ठाकुर जी की और गुरु जी की कृपा की बल होना, तभी ये भागवत कथा कोई रख सकते हैं और ये भागवत कथा कोई सुन सकते हैं। इसलिए समझो आप लोगों को ऊपर में गुरु जी की और ठाकुर जी की श्री विशेष कृपा है श्री गरीबवासियों को ऊपर में। इसलिए कोई एक साल में ही आप लोगों ने मिल करके हर साल क्या करते हो, हर साल ये भागवत कथा को आप लोग रखवाते हो, इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यवान है गरीबवासी लोग। बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रीतम की जय, जय श्री राधे। बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। कहते कब ये भागवत कथा सुनने का हमारे सौभाग्य मिलता है? सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, बोले एक जन्म नहीं, बोले जन्मांतरे, बोले करोड़ों करोड़ों जन्मों का जब कोई पुण्य उदय हो, तभी ये भागवत कथा सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए शंकर जी माता पार्वती को भी यही बात कहते हैं, बोले पार्वती स्त्री पुत्र परिवार दुकान मकान एक पापी को भी पास में होता है। रावण को पास में किसी चीज की कमी नहीं थी, सोने की लंका है, आपके पास में कितना सोना होगा? एक किलो होगा, दो किलो होगा, कितना किलो है? पांच किलो होगा, दस किलो होगा, इससे ज्यादा किसके पास में सोना नहीं होगा। लेकिन रावण के पास में जिसका लंका ही सोना ही सोना है, बेडरूम सोना, किचन रूम सोना, डाइनिंग रूम सोना, उसका सब सोना सोना, सारे सोना सोना था। इसलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं स्त्री पुत्र परिवार दुकान मकान एक पापी को पास में भी हो सकती है, लेकिन पार्वती
जो एक चीज बड़े किस्मत वालों को मिलता है। मैया पार्वती बोली, प्रभु किस चीज की बात कर रहे हो? देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले सत्संग जो ये श्रीमद् भागवत कथा पार्वती ये जगत में बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ ये भागवत कथा है। पार्वती प्रश्न करती है, बोले दुर्लभ कहाँ है? देखो गढ़ीवासियों ने कथा रखवाया ना, घर घर में गए, कलेक्शन किए, घर घर में गए, निमंत्रण दिए, भागवत कथा होगी आओ, कथा सुनने के लिए आओ, कथा होगी आओ, सबको निमंत्रण दिया कि नहीं दिए हो? लेकिन शंकर जी कहते हैं पार्वती ये सारे काम तो करेंगे लेकिन कथा में सहज में कोई नहीं आएगा। अगर किसी को पता चले जाए ना शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय यहाँ आ रहे हैं, अगर किसी को पता चले जाए ना यहाँ शाहरुख खान सलमान खान आए, देखना गड़ी में एक व्यक्ति ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो प्यार रखने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, हैं? यहाँ जगह नहीं मिलेगी प्यार रखने की, इतने वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होगी, गली में कोई लोग नहीं दिखेंगे, सब यही दिखेंगे। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आब तो यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाए। यदि ये भागवत कथा में आना प्रभु जी जी कर प्रभु, इसलिए ये भागवत कथा में साधारण व्यक्ति नहीं आ सकते हैं, बड़े बड़े कठिनाई। किसी व्यक्ति को बोलना भैया कथा हो रही है आना, भले वो बोलेगा देखो कुछ काम बाकी है, ये काम को निपटा करके आ जाऊंगा, ये काम को निपटा करके आ जाऊंगा, बोले भैया तू ही निपट जाओगे, लेकिन काम नहीं निपटेगा। अभी दुनिया में कोई निपट, किसका काम निपटा है बताओ? तो थोड़ी सी सेटिंग सबको करके ना, सबका सेटिंग करके मैं आऊंगा, बोले भैया सारे अपसेट है, सब सेट तो कर दिया लेकिन केवल मन को ही सेट नहीं कर पाए। इसलिए भगवान की कथा में बहुत बहाना बनाएंगे शंकर जी कहते हैं, लेकिन कोई गंदा काम के लिए पहले तैयारी बैठे हैं, पहले तैयारी बैठे। इसलिए माता पार्वती कहती है बोले प्रभु फिर ये भागवत कथा में कौन कौन आते हैं, ये भागवत कथा में कौन कौन आते हैं? देखो शंकर जी कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं ये बात को, कौन कह रहे हैं? श्री भोले बाबा कह रहे हैं। बोले किसको कह रहे हैं? बोले माँ पार्वती को ये बात कह रहे हैं। बोले पार्वती ये कथा में कौन आएगा भागवत कथा में? बोले अति हरि कृपा जा परम होई, हरि कृपा जा परम होई, अति हरि कृपा जा परम होई, अति हरि कृपा संगति पावे संगत सोई, हरि कृपा
ताली में लग रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे इसलिए भगवान ने जो स्वागत शब्द को बोले दो बार प्रयोग किया। जानते हो कब भगवान स्वागत किए? जब भगवान बंसी बट को नीचे बंसुरी बजाए और जितने ब्रज गोपियां थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई एक हाथ में काजल पहनी और दूसरे हाथ में काजल नहीं पहनी, कोई आधा साड़ी पहनी हुई थी। लेकिन जब भगवान बंसरी बजाए ना, ये गोपियां सारे काम को छोड़ छाड़ करके आई और कुछ गोपियों को तो आने नहीं दे रही। बोले खबरदार, घर से निकलोगे ना टांग तोड़ देंगे अगर घर से निकलोगे। लेकिन उन लोगों ने जब सारी चीज को पीछे रख करके भगवान की रासों में आए ना,
तब भगवान उनको कहते हैं स्वागतमे महाभागा, कहते हे भाग्यवतियों तुम सबको मैं स्वागत करता हूँ। भगवान तभी प्रयोग किया, बोले और एक बार किया, केवल दो बार किए हैं। बोले कृष्ण जब सखाओं को साथ में गैया चराते चराते भात्रो लोग पहुंचे, सखाओं ने कहा कन्हैया पेट में चूहे कूद रहे हैं, मतलब भूख लग रहा है तो थोड़ी खाने पीने का व्यवस्था करते। बोले देखो ये पास में यज्ञ हो रही है, क्या हुआ पर त्रिवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी, समझ रहे हो, चार वेद को पढ़ने वाले, तीन वेद को पढ़ने वाले, दो वेद को पढ़ने वाले, जाओ इसे ब्राह्मण को समा दो। सखाओं ने भूख गए, बोले पास में कृष्ण बलराम आए भूखे हैं, थोड़ा खाना मंगवा रहे हैं, लेकिन सुन करके उन्होंने अनसुना कर दी, सुना ही नहीं। बोले कन्हैया तुमने कहा इनको पास में जाओ खाना मिलेगा, लेकिन तेरे नाम सुनकर कोई ध्यान ही नहीं दिया। बोले एक काम करो उनकी पत्नियों को पास में जाओ। बोले पत्नियों को पास में क्या बोल रहे हो, ये लोग त्रिवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी इतने बड़े बड़े पंडित हैं, जब तेरे को ये समझ नहीं पाए जो स्त्रियां अपवित्र रहती हैं, हैं जिसका जनेऊ संस्कार नहीं होती, जो वेद में जिनके अधिकार नहीं वो कह रहे उनको जा करके बोलो। देखो भगवान क्या कहते हैं, बोले देखो ये जो भक्ति है ना ये स्वतंत्र है, ये भक्ति किसी को ऊपर निर्भर नहीं करता है। तुम वेद पढ़ो उपनिषद पढ़ो सारे पुराण पढ़ जाकर भक्ति हुई, ये किसी को ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये तो भगवान की विशेष कृपा हो तब कोई भक्ति करती है। ये पुराण वेदों पर कोई निर्भर नहीं करता, इतने विद्वान हो इतने गुणशाली हो, कहते ये साधारण साधारण व्यक्ति के ऊपर भी भगवान की कृपा हो सकती है, बड़े से बड़ी व्यक्ति होने पर भी कृपा नहीं हो सकती। जाओ वो लोग मेरे भक्त है जरूर जाओ वही वर मिलेगा। सचमुच से जब सखा लोग मथुरा में उनको पत्नियों के पास में आए ना, देखा सचमुच से उनकी पत्नियां तो हाथों में घर का काम कर रही थी और मुंह में ठाकुर जी के नाम ले रही थी। बोले जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जना बालव जय गिरि जय दूर से सुना। बोले भैया देखो कृष्ण सही सही बता रहे थे, उनकी जो पत्नियां है ना बड़ी भक्ति बनती, देखो दूर से हमारा कन्हैया का कीर्तन सुनाई पड़ रहा है, देखो ये हमारे कृष्ण कीर्तन हो रहे, सचमुच से कृष्ण सही बता रहे थे। और जा करके जब बोले कृष्ण बलराम पास में आए हैं भूखे हैं आपसे भोजन मंगवा रहे हैं, वो सुन करके बोले कृष्ण बलराम ये पास में आए, बोले हाँ, बोले कहाँ पर, बोले यही पास में, बोले भैया इन्हीं आंखों से उनका दर्शन कर सकते हैं, बोले अरे उन्होंने तो भोजन मंगवाए भूखे हैं,
वो जितने यज्ञ के लिए लड्डू कचौड़ी मालपुआ चकाचक खाना बनाए थे, वो सारे खाने को उठा करके कृष्ण के लिए लेकर के भागे। किसने जा करके ब्राह्मण को बोल दिया, देखो वो यज्ञ के लिए जितना लड्डू कचौड़ी बनाया था ना, वो सब कृष्ण के लिए ये गोपियां लेकर के जा रही हैं। ब्राह्मण लोग सुन करके अपना चोटी को खड़े करके भगे वहां से। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले कृष्ण को खिलाने के लिए। बोले खबरदार, अगर घर से निकलोगे ना, घर में घुसने नहीं देंगे, घर तो तुमको घुसने नहीं देंगे। बोले तेरे घर ही नहीं आएंगे, हम तो कृष्ण को पास में रहा करेंगे। बोले वहीं पर रहना या नहीं आना? बोले हम तो वहीं रहेंगे। लेकिन जब उन्होंने सब छोड़ करके कृष्ण को पास में आए ना, देखो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। बोले स्वागतम ने महाभागा। बोले पृथ्वी में सबसे ज्यादा भाग्यवती तुम लोग हो, क्योंकि घर की सारा बाधा विपत्ति को तोड़ करके तुम लोग मेरे पास में आए हो। तुम लोग बड़े सौभाग्यवती। देखो आप लोग भी, भगवान आपको भी स्वागत करते हैं। देखो ब्राह्मण लोग कितने बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन भगवान को पहचान नहीं सके, ठाकुर को नहीं पहचान सके। लेकिन ये ब्राह्मणी जब आए कृष्ण को भोजन खिलाए, कृष्ण बोले जाओ घर में जाओ। बोले हम घर में नहीं जाएंगे, हम तो पतियों से लड़ाई करके आए। बोले तेरे घर में नहीं आएगी, इसलिए अभी हमें घुसने नहीं देंगे। कृष्ण बोले चिंता मत करो, अभी जाओगे ना तुम्हारी चरणों को पूजा करेंगे। अगर अभी घर में जाओगे ना, जो ब्राह्मण लोग तुमको बोल रहे थे घर में घुसने नहीं देंगे, वो सबके सब तुम्हारी चरण की पूजा करेंगे। बोले क्यों? बोले चूंकि तुम लोगों ने मेरे पास में आ गए, जो मेरे शरण में आ जाते हैं, कहते ना चा पर कृपा हरि की हुई, ता पर कृपा, बोलो ता पर कृपा करे सब कोई। जिसको ऊपर में भगवान की कृपा हो जाए उसको ऊपर सब कृपा करते हैं। इसलिए देखो ये द्वापर युग की समय है। कृष्ण को भोजन किसने करवाया? पंडित लोगों ने नहीं करवाया, बाद में धिकार दिया। हमारा जीवन को धिकार है, हमने त्रिवेदी चतुर्वेद पढ़ लिए, लेकिन वेद का यज्ञ का फल कौन है? बोले यज्ञार्थात कर्मन अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन। सारे वेद पुराण को पढ़ो, उसका सार किया है, बोले भगवान को भक्ति करना, भगवान को भक्ति करना। देखो ये स्त्रियां अपवित्र रहने वाली, इनके जनेऊ संस्कार नहीं, वेद नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन ये साक्षात वेद का जो तात्पर्य है, वेद का जो सार है श्री भगवान, इन लोगों ने भगवान को दर्शन किया, भोजन करवाया, और हम लोग बड़े अभिमानी हैं। उनको भगवान साक्षात भोजन मांगने के लिए आए, यज्ञ का फल क्या है? बोले भगवान है। लेकिन हम भगवान को ही खाना नहीं खिलाए, हमारे जीवन को धिकार है, ऐसे जीवन को उन्होंने धिकार दिए। और जब उनकी पत्नियां आई ना, सबके सब पत्नियों को चरण गिर रही थी, सबके सब अपना पत्नी की चरण की पूजा कर रही थी। बोले क्यों? बोले तुम लोग बड़े सौभाग्यवान हो, जो भगवान का दर्शन भी किया और भगवान का खाना भी खिलाए। समझ रहे कि नहीं? देखो इसलिए श्री शंकर जी कहते हैं, पार्वती जो व्यक्ति ये कथा सुनने के लिए आते हैं ना, भगवान उनको स्वागत करते। देखो सबका घर में कुछ ना कुछ काम होगा, है कि नहीं? बिना काम से कोई घर में नहीं होगा। सबका किसको पति की सेवा होगा, बच्चे की सेवा होगी, घर की काम होगी। लेकिन आप लोगों ने सब कुछ को पीछे रख करके कहाँ पर आए? ये भागवत कथा में आए। भगवान कहते हैं जो लोग ये भागवत कथा में आते हैं ना, ठाकुर जी सबको स्वागत करते हैं, क्योंकि जगत में सबसे बड़ा भाग्यवान जो कथा सुनने के लिए आते हैं, जो कथा सुनने के लिए आते हैं। श्रीमद भागवत कथा अमृतम ही है, कोई जयकार नहीं कर रहे। देखो इस महीना बताया ना, ये महीना सबसे पुण्य महीना है। अगर जो एक बार जयकार देगा ठाकुर को, 100 बार जयकार का हाल मिलेगा। भगवान को थोड़ी जयकार, जयकार तक ठाकुर का है ही है, लेकिन ठाकुर का जो जयकार देता है ना, उसको सारे पाप कष्ट दूर हो जाता है। जयकार अगर ठाकुर को बोले जय देने पर फिर आपको जय मिलेगा, ठीक है ना? जोर से जयकार लगाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लगे तो भैया कथा हो रही है। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान जो कि ये 7 दिन तक ये कथा सुनने के लिए आए।
इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित कहते बोले परीक्षित ये भागवत कथा की इतने महिमा इतने महिमा भागवत कथा की बता ही नहीं सकते। बोले स्वर्गे सत्य कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरसा। हाँ हरे कृष्णा, आप लोग जो पीछे बैठे हैं मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं आ रही है? जब पीछे बैठे आवाज आ रही है कि नहीं? आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है? इसलिए कहते हैं ये जो श्रीमद् भागवत कथा इसका इतने महत्व है भागवत कथा की। बोले भैया स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी नसीब में भी ये भागवत कथा उनको भी नहीं मिलता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब श्री परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, जिन जिन देवता को हम घर में पूजा करते हैं ना, वो सारे देवता स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के आए। बोले लो ये अमृत कलश पूरा के पूरा लो, लो परीक्षित को पिला दो तो अमर हो जाएगा, लेकिन कथा सुना दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी देवता को वहां से भगा दिया। वहां से बोले जानते हो ये भागवत है क्या चीज? ये स्वयं कृष्ण है। इसलिए भागवत में बताए बोले कृष्णा स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः कलौ नष्टादृशमेष पुराण अर्क धुना दुखित। बोले जिस समय भगवान ये संसार को छोड़ करके चले गए, उद्धव जी वहीं पर थे। बोले प्रभु आप तो हमें छोड़ करके जा रहे हो, अभी हम किसका आश्रय ग्रहण करें? भगवान खुद कहते हैं बोले उद्धव अगर कलयुग में मेरे साथ में कोई मिलना चाहता है, मेरे और एक उपाय है, यदि ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, बोले ये भागवत नहीं ये विराही रूप है। कलयुग में जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेगा, कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं, कोई अलग बात नहीं। आप कथा नहीं सुन रहे हो, क्या कर रहे हो? श्री भगवान से ठाकुर जी से आप साक्षात मिल रहे हो, साक्षात भगवान से आप मिल रहे हो। इसलिए ये भागवत ग्रंथ रूप में रहूंगा, जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार दूर हो जाता है, चोर बदमाशी का भय नहीं रहता है। यदि ये भागवत ग्रंथ रूपी सूरज जब उदय होता है, सारे दुख कष्ट अंधकार खत्म हो जाता है ये भागवत कथा से। इसलिए कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी सौभाग्य में नहीं मिलता है भागवत कथा। मतलब इसका मतलब आप जो कथा में बैठे हैं ना, कहते आप लोग देवता भी सबसे ज्यादा पुण्यवान, आप लोग देवता से भी ज्यादा पुण्यवान हो। क्यों? ये भागवत कथा सुन रहे हो, इसका इनको थोड़ा कम कर दो। इसलिए आप लोग ये भागवत कथा सुन रहे हो। बोले भैया स्वर्ग की बात छोड़ो, ये कथा ब्रह्मलोक में भी ये कथा नहीं। बोले भैया ब्रह्मलोक की कथा छोड़ दो, कहते ये कथा शिवलोक में भी नहीं। बोले शिवलोक की कथा छोड़ दो, कहते ये कथा वैकुंठ लोक में भी कथा नहीं। आप लोग रामायण सुने होंगे। बोले जिस समय भगवान राम ये अयोध्या छोड़ करके अपना नित्य वैकुंठ में जा रहे हैं, अभी सारे अयोध्या वासी तैयारी है भगवान को साथ में चलेंगे, भगवान जा रहे हैं धाम में, लेकिन देखा एक व्यक्ति वहां पर नहीं। बोले कौन नहीं था? बोले श्री हनुमत लाल जी। भगवान राम देखा भैया ये हनुमान जी कहा, सारा दुनिया तो जाने के लिए तैयारी है, इसलिए कहते हैं ना बोले दुनिया चले ना श्री राम के बिना। उसके बाद में राम जी चले ना हनुमान के बिना। इसलिए कहते जो हनुमान प्रभु को कभी नहीं छोड़ने वाले थे, भैया ये हनुमान जी कहाँ हैं? ढूंढते ढूंढते देखा हनुमान जी घर की एक कोण में बैठे हुए, और बैठ करके बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। अभी कोण में बैठ करके प्रभु का नाम जप कर रहे थे। भगवान राम कहते हनुमान जी देखो ये सारे अयोध्या वासी वैकुंठ जाने के लिए तैयार, तू वैकुंठ नहीं जाओगे? देखो ध्यान देकर सुनो वो हनुमान जी कितने महत्वपूर्ण बात कहते हैं। बोले प्रभु वहां की आपकी कथा मिलेगी वैकुंठ में? क्या तुम्हारी कथा मिलेगी? भगवान कहते भैया जब मैं वहां पर स्वयं हूं, पर ये कथा की क्या जरूरत है? देखो हनुमान जी क्या कहते हैं। बोले प्रभु आप जहां होते हो
हो सकता है तुम्हारी कथा वहां पर नहीं हो रही, लेकिन जहां पर तुम्हारी कथा हो रही है वो 100% आप वहीं पर मिलोगे, आप वहीं पर मिलोगे प्रभु। ये कथा वैकुंठ में, ये कथा नहीं, कहां पर कथा, इसी मर्त्य जगत में। भगवान राम ने कहा हनुमान ये बताओ फिर तू कब वैकुंठ में आओगे, बोले प्रभु तब तक मैं ये वैकुंठ लोग नहीं जाऊंगा जब तक इसी दुनिया में तुम्हारी कथा रहेगी, तुम्हारी कीर्तन रहेगी। इसलिए आप देखना कहीं भी प्रभु राम की कथा होती है ना, सबसे पहले हनुमान की तस्वीर लगाते हैं, क्योंकि कथा के सबसे बड़े जो रसिया श्री हनुमान जी। जितने जगह पर, करोड़ों जगह पर कथा होना, हनुमान जी बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, बोले जहां जहां प्रभु राम की कथा हो हनुमान जी उतना रूप धारण करते हुए कथा को बीच में नहीं, कथा से पहले आते हैं, कथा से पहले आते हैं। और कथा कैसे सुनते हैं, हाथ जोड़ करके आंखों से आंसुओं को बहाते हुए, इनकी रोम है रोंगट खड़े हो रहा है, प्रेम में गदगद हो करके श्री हनुमान जी कथा सुनते हैं और बीच में नहीं जाते हैं। कब जाते हैं कथा से, जब कथा समाप्त हो जाती है, कथा जब समाप्त हो जाए, जब सबके सब चल जाए, फिर सबको प्रणाम करते हुए वहां का धूल शरीर पर लगाते हैं, फिर हनुमान जी मेरे वापस जाते हैं। इसलिए हनुमान जी बोले प्रभु तब तक ये दुनिया में रहूंगा जब तक तुम्हारी कथा होगी, जब मैं देखूंगा तुम्हारी कथा नहीं हो रही ना, तुम्हारी कोई कीर्तन नहीं, बोले प्रभु एक सेकंड के लिए भी ये दुनिया में नहीं रहूंगा, एक सेकंड के लिए भी ये दुनिया में नहीं रहूंगा, ये दुनिया छोड़ करके मैं वैकुंठ चला जाऊंगा। इसलिए भागवत में बताए बोले नजत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा, बोले प्रभु जहां पर तुम्हारी कथा नहीं, जहां पर तुम्हारी कीर्तन नहीं, जहां पर तुम्हारी जन्माष्टमी राधाष्टमी नहीं, बोले सुरेश लोक अभी नब्बे से बता, कहते वो ब्रह्म लोक क्यों नहीं हो, वो स्वर्ग लोक क्यों नहीं हो, हम वहां जाना नहीं चाहते, मैं तो वहीं पर जाना चाहता हूँ तेरी कथा जहां पर हो रही। इसलिए देखो ये गढ़ीवासी कितने सौभाग्यवान, ये गढ़ी के लोग कितने सौभाग्यवान है, देवताओं को कथा सुनने के लिए देव लोगों को छोड़ना पड़ा, ब्रह्मा जी को कथा सुनने के लिए ब्रह्म लोग त्याग देना पड़ा, शंकर जी को कथा सुनने के लिए शिव लोग छोड़े, और वरुण जी को कथा, हनुमान जी को कथा सुनने के लिए वैकुंठ छोड़ा। लेकिन देखो गढ़ीवासी, देखो ये गढ़ीवासी कितने भाग्यवान है, आपको कथा सुनने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ा, आपको आपकी गड़ी छोड़ना पड़ा, तुमको गड़ी छोड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि ये कथा रूपी गंगा वृंदावन में बहते बहते ना हमारी घर को सामने आ गई, और हम घर में बैठ बैठ करके किया क्या, कथा रूपी गंगा में स्नान कर लिया। मतलब है हम लोग बड़ी भाग्यवान हैं जो हम लोग 7 दिन तक ये भागवत कथा सुनेंगे, ठीक है। बोले श्रीमद भागवत कथा मृताम की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ देखो यहाँ पर और एक शिक्षा दिया, माताएं सब ध्यान देकर सुनो, जब श्री शंकर की कथा सुनने के लिए आए ना, वो अकेले नहीं आए, पार्वती को लेकर के आए, जब ब्रह्मा जी कथा सुनने के लिए आए अकेले नहीं, ब्रह्मांड को लेकर, जब देवता लोग कथा सुने अपना देवियों को लेकर के आए, हैं अपना देवियों को लेकर के आए। यहाँ शिक्षा देते हैं कथा सुनने के लिए अकेले मत लाओ, कथा सुनने के लिए अकेले मत आओ, बोले क्या, और अगर देवियाँ आती है ना अपना तुम्हारी देवताओं को लेकर के आओ, अगर देवता आए तो अपना देवियों को लेकर के आओ। बोले ऐसे क्यों, बोले इसका मतलब क्या, बोले इसका मतलब है जैसे देखना आप लोग कथा सुनोगे, आप जो कथा 7 दिन तक सुनोगे ना आपका ये रूप नहीं रहेगी, आप संपूर्ण आप बदले जाओगे जीवन, क्योंकि आपको पता चलेगा ये जीवन प्रभु ने क्यों दिया है, ये जीवन भगवान बारंबार नहीं देते हैं, ये 84 लाख जन्मों के बाद में ये मानव शरीर मिला, भगवान मानव शरीर क्यों दिया, बोले प्रभु की भजन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। अभी जो कथा में आएगा उसके ऊपर ये रंग चढ़ेगी, रंग चढ़ेगी तो फिर गले में कंठे कंठी पहनोगे, तिलक लगाओगे, माला जप करोगे। अगर आप लोग आए भक्ति का रंग चढ़ गया ना, पति लोग बोलेंगे बोले भैया किस कौन सा साधु के चक्कर में तू पड़ गई,
पहले बोलते थे घुमाने ले चलो थोड़ी ये करो, अभी तो जब इच्छा हो तुम गीता भागवत माला लेकर बैठ जाती हो तुम हैं। अगर पति आए उसको ऊपर रंग चढ़ेगा तो फिर पत्नी उसको भी भजन करने नहीं देगी। बोले पहले तो सिनेमा घुमाने ले जाते थे कहीं घुमाने, अभी जब देखो गीता भागवत लेकर बैठ जाते, अभी तो माला लेकर के माला जब करना शुरू करते तो, क्योंकि उसको पर रंग चढ़ेगी। अगर आप दोनों कथा सुनने के लिए आओगे क्या होगा, फिर दोनों को पर रंग चढ़ेगी तो फिर दोनों बोले भैया चलो आज सत्संग हो रही है, कथा हो रही है, भगवान की भजन हो रही, चलो जल्दी जल्दी चलो, फिर दोनों दोनों को मदद करोगे, दोनों दोनों को मदद करोगे, ठीक है ना। जितना देवियां आई ना कल तुम्हारे सब देवताओं को लेकर के आना है। बोले चलो नहीं आई गई, एक माता जी कह रहे नहीं आई, इसलिए मतलब आप उनको सही सही समझा नहीं पाओगे है। बोलना देखो ये अधिक महीना है और देखो यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है ना, हम आता है ध्यान देकर सुनो, अगर तुम लोग घर में रोटी नहीं बनाओगे तो देवता को खाना कहाँ से मिलेगा। आप बोलोगे भैया सात दिन तक बाबा ने बताया कोई घर में कोई रोटी पानी नहीं मिलेगी, और खाना तो यही पर मिलेगा ना, प्रसाद तो मिल रहा है ना है। बोले भैया सात दिन तक बोले घर में कोई खाना नहीं बनाओ, और घर में सबके बच्चों को भी बताओ आए, और पतियों को भी बोलो घर कथा सुनने के लिए आए, अगर तुम रोटी नहीं बनाओगे तो खाना कहाँ से मिलेगी, फिर तो उनको आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बोलते बाबा ने बताए सबको कथा में जाना है, सबसे ज्यादा ये पुण्य की महीना अधिक महीना, ठीक है सबके सब जो देवता आए देवियों को देवी आई देवता को लेकर के आना। लेकिन लगता है देखो ये कृष्ण का समय की है, लेकिन ये देवताओं ने किसने कृष्ण को भजन नहीं दिया, किसने देवियों ने दिया। कृष्ण जब बंसरी बजाए ना कोई पुरुष नहीं आए, माता ही है। अभी भी वही माहौल है, आप लोग तुम लोग गुजरी है ना, तुम लोग गुजर है ना, कितना गुजरिया खेल खोल खेवरिया तेरे घर में आए हो, कृष्ण गुजर है और तुम भी गुजरी हो, ये लगता है तुम लोगों के ऊपर में कृष्ण की ज्यादा कृपा गुजरी है ऊपर में, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, एक भजन सुन लो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। राधे राधे लटित ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम तिजाए। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे। आइए वृंदावन कौन कौन जाएंगे, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सभी लोग जाएंगे। तो आइए वृंदावन कैसे जाते हैं, नाचते कूदते हुए जाते हैं कि नहीं, हाँ ऐसे माता जी सही कह। तो आइए सभी लोग नाचते कूदते हुए चले। अरे वृंदावन धाम अपार जसे राधे राधे, राधे 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 जपे जा राधे राधे, हरे राधे हरे हरे राधे 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 राधे
और कुछ जो है ऐसे ही चुपचाप बैठे हैं पीछे। देखिए हमारे वृंदावन में संत लोग कहते हैं कि कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखाएं बदल जाती है, इसलिए जब जब कीर्तन होए ताली जरूर बजाए। और क्या क्या फायदा महाराज जी बताएंगे ताली बजाने से क्या होता है कीर्तन में, तो कीर्तन में ताली जरूर बजाए जब जब कीर्तन हो। तो एक संत दूसरे संत से बोले भाई जहां देखो वहां कहते हैं कि ताली बजा। आखिर ताली बजाने से होता क्या है? तो दूसरे संत बोले ऐसा है कीर्तन में ताली बजाने से पाप निकल जाता। तो दूसरे संत फिर बोले कि पाप निकल कर जाता तो जाता कहां है, उसको रहने के लिए जगह चाहिए। बोले ऐसा है कीर्तन में जो ताली बजाते हैं उनका पाप निकल करके उनके सर पर बैठ जाता है जो ताली नहीं बजाते। तो आप लोग सोचे क्या करेंगे, पाप बैठना चाहेंगे आप लोग? नहीं चाहेंगे ना, तो इसलिए ताली बजाकर सभी लोग बोलेंगे। एक बार हाथ उठा लीजिए ऊपर और उठाकर क्या बोलना है आपको? राधे राधे। हाँ क्या बोलना है जोर से बोलो मैं के। और देखा और जोर से। हाँ ये हुई ना बात, सभी लोग हाथ उठा करके राधे राधे नाम की ध्वनि लगाना है। एक प्यार से बोल दो नंबर तक तो सुनाया देखी कथा है। देखिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वत पत्यादि तवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय भयम नमः। यदि ये भागवत कथा की महिमा आज केवल हम महिमा महिमा सुनेंगे, कथा सुनने से हमें क्या मिलेगा? यदि ये भागवत कथा की महिमा दो पुराण में आती है, कहते एक तो पद्म पुराण और एक श्री स्कंद पुराण, दो पुराण में कथा की महिमा आती है। यदि ये पद्म पुराण का जो मंगलाचरण श्लोक है, बोले भगवान की चरण में जाननी चाहिए। बोले किसकी शरण में? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले केवल कृष्ण की शरण में नहीं, बोले श्री कृष्ण की चरण में। बोले श्री मतलब माता जी, बैठ जाओ। इसलिए बोले केवल कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण की शरण में जाननी चाहिए। बोले श्री मतलब क्या? बोले श्रीमती राधा रानी। उधर उधर बैठो माता जी, उधर उधर बैठो, पीछे बैठो। हरे कृष्ण।
इसलिए कहते केवल अकेले कृष्ण की शरण में नहीं, बोले किसकी शरण में, श्री कृष्ण, श्री मतलब श्रीमती राधा रानी है। इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना, देखना किसी को भी कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नहीं मिलेगा। बताओ तो वृंदावन में किसकी नाम लेते हैं, जोर से बोलो और जोर से। इसलिए वृंदावन में श्री राधा जी की नाम लेते हैं, मतलब है यहाँ शिक्षा देते हैं अकेला कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं अकेले कृष्ण को जो पूजा करते हैं ना, क्योंकि वो अज्ञानी है, है? इसलिए जब तक राधा जी की कृपा नहीं हो कृष्ण नहीं मिलते हैं। बोले भगवान की शरण में जाने से क्या मिलेगी, बोले आपको छह चीज मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कृष्ण राधा कृष्ण की शरण में जाओ अगर आप भक्ति करो ना, कितना चीज मिलेगी आपको, छह चीज की मिल प्राप्ति होगी। अभी तो मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं कल आपसे सुनूंगा, ठीक है, सब ध्यान देकर सुनो। और एक बात सुनो ध्यान देकर के, अगर आपको कथा सुनने की इच्छा हो ना, आप जिसको जानते हो ना उसको पास में मत बैठना, समझ रहे हो, आप जिसको जानते हो कभी भी उसको पास में मत बैठो, उससे अलग बैठो। क्या करो, उससे अलग होकर के बैठो, नहीं तो कथा नहीं सुन सकते हो। हरि बोल, बात मत करो, आप दोनों अलग हो जाओ, अलग होकर बैठो। देखो मैं ऊपर बैठा है ना, मैं सबको देख रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है, कोई गप्पे मार रहे हैं, कोई बहू की बात, कोई बेटी की बात कर रहे हैं। इसलिए देखो ये अधिक महीना कितने भाग्य से कथा सुनने को मिलती है, अपने घर छोड़े यहाँ पर आए, अगर बैठ बैठ कर आपस में बात किया तो फिर आने का क्या मतलब, क्या रह गया है ना। इसलिए सात दिन में एक मन से कथा सुना। देखो ये भागवत को बताया, ये कल्प वृक्ष है, भागवत कथा क्या है, ये कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मतलब क्या जानते हो, आप सात दिन तक कथा सुन करके जो कुछ मांगोगे ना, ये भागवत सारी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। जिसका संतान नहीं उसको संतान देते हैं, संसार में जो दुखी उसको सुख देते हैं, संसार में है कहते जो निर्धन उसको धन देते हैं, जो रोगी उसको निरोगत्व प्रदान करती हैं। ये भागवत कथा सब चीज को प्रदान करती हैं, लेकिन ये कब प्रदान करेगा, लेकिन जब ध्यान से सुनोगे। अगर यहाँ पर आकर गप्पे मारोगे तो जो देने वाले वो भी नहीं देगा। इसलिए जो एक मन से सुनेगा उसको जो मांगोगे सात दिन में ठाकुर जी सब इच्छाओं को पूरी कर देंगे। इसलिए कथा को नियम से सुनना, ठीक है ना, कथा को एकदम एक मन से और नियम से कथाओं को सुनो। इसलिए कहते हैं यहाँ पर जब हम ठाकुर जी की शरण में जाएंगे हमें छह चीज की प्राप्ति होगी। बोले छह चीज क्या है, बोले सच्चिदानंद रूपाय, बोले भगवान की जो स्वरूप है वो तीन चीज को तरह भगवान का स्वरूप है, सात चीत और आनंद। और हम भगवान की संतान हैं, देखना जिंदगी भर यही तीन चीज को ढूंढ रहे हैं। सात मतलब जो सत्य स्वरूप, जो कभी मरते नहीं, जो हर समय नव किशोर नटवर, एकदम 14 साल, 14.5 साल से भगवान का उम्र कभी ज्यादा नहीं होती है। अगर भगवान की शरण में जाओगे ना, आप भी ऐसे बन जाओगे। देखना भगवान की जितने गोपियों की, देखो भगवान की जितने गोपियां देखना, 11 साल, 12 साल, 13 साल, ज्यादा उम्र नहीं है। कृष्ण की जितने सखा लोग 8, 9, 10, 12, इससे ऊपर ज्यादा नहीं है, क्योंकि सब 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 भगवान की शरण में आए। पहला नंबर है भगवान की शरण में जाने पर आप भी अमर बन जाओगे, आप भी जगत में अमर बन जाओगे। बोले अमर कैसे, भगवान के भक्त क्या मरे नहीं, सब जो भजन करते वो मरते हैं, जो भजन नहीं किया वो भी मरे, लेकिन मरने पर भी इनका नाम अमर हो गया। हनुमान जी मरे हैं, बताओ हमारे मीरा मरी है, परीक्षित महाराज मरे हैं, ध्रुव महाराज मरे हैं, तुलसीदास कोई मरे, देखो उनका नाम सारा दुनिया में जय जयकार हो रहा है। बोले पहला नंबर है आप सत्य वस्तु को अमरत्व की प्राप्त करोगे। बोले दूसरी वस्तु क्या है, बोले चीत। चीत मतलब होता है भगवान ज्ञान स्वरूप है। अगर प्रभु की शरण में जाओगे तो आप पूर्ण ज्ञान को भी प्राप्त करोगे। और भगवान आनंद स्वरूप है, उनका शरण में जाओ तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद मिलेगा, सारे तुम्हारे दुख खत्म हो जाएगी। बोले ताप त्रय विनाशाय, बोले भगवान की शरण में जाने पर, बच्चों चुपचाप वहां बैठे रहो,
बात नहीं करना, नहीं तो पीछे भेज दूंगा। इसलिए भगवान कहते ताप त्रय विनाशाय, कहते ये जगत में जन्म लेने पर जो तीन तरह का जो दुख है वो सबको भोगतना पड़ता है। बोले तीन तरह का दुख क्या है? बोले पहला नंबर है ये मानसिक दुख है। ये संसार में सबको मानसिक कष्ट है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई काम से दुखी, दुखी 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 है। ये जो मानसिक कष्ट है, कहते भगवान की शरण में जाने पर कोई कष्ट तुम्हें नहीं रहे हैं। बोले ये आध्यात्मिक, बोले आदि दैवी, ये आदि दैवी की मतलब देवताओं को द्वारा जो दी जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गया, आंधी तूफान आ गई, कुछ दिन पहले आंधी तूफान आए ना, कितने लोग मर गए, कितना पेड़ टूट गया, कहीं भूचाल आ गई, कहीं बाढ़ आ गया, यदि ये देवताओं के द्वारा है, इसलिए ठाकुर जी की शरण में जाने पर ये सारे दुख तुम्हारे दूर हो जाएगी। जो तीसरा जो दुख है आदि भौतिक, एक जीव से दूसरे जीव को जो कष्ट होता है, हैं जैसे अब देश देश में लड़ाई है, हैं इसने कहीं सांप काट दिया, कहीं मच्छर काट दिए, कहीं जाति जाति में मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन में लड़ाई, इसलिए कहते भगवान की शरण में जाने पर कभी इतने सारे दुख है सब दुख तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा श्रवण कराए, जब ये कथा की विश्राम हुई, गोलोक वृंदावन से एक रथ आया और श्री परीक्षित महाराज बड़ी सुंदर राधा जी की एक सखी बन करके वो रथ में बैठे और रथ में बैठ करके भूर भूव मोह जन तप सत्य लोक को पार करते करते सीधा गोलोक वृंदावन चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, केवल बैठ करके कथाई सुने और कहाँ सीधा ठाकुर जी की पास में चले गए। ब्रह्मा जी सत्य लोक में के तराजू लाए और तराजू के एक तरफ में ये जगत का जितने पुण्य हैं, कोई स्कूल खोल दिया, कोई कॉलेज खोल दिया, कोई दुखी दरिद्र को दान देते हैं, जगत का जितने पुण्य को उन्होंने तराजू का एक तरफ में धर दिए और तराजू के दूसरे तरफ में ये भागवत कथा सुनने का जो पुण्य है उसको दूसरे तरफ में धरे। देखा जिधर भागवत कथा को धरा ना, वो तो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा और दूसरे तरफ में जितने पुण्य सबके सब हल्का होकर ऊपर उठ गया। अरे ब्रह्मा जी को पता चला, भैया ये जो भागवत कथा है इससे बड़ा पुण्य जगत में कुछ भी नहीं हो सकता है। भले ही करोड़ों करोड़ रुपया हॉस्पिटल दुकान मकान दुनिया खोल दो, लेकिन ये भागवत कथा की जो महिमा, आप इसी को साथ में कोई भी पुण्य को बराबर नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मा जी ने देखा, भैया भागवत का तो बड़ी महिमा, इसलिए उन्होंने आदेश दिया है, कहते उनका जो बेटा नारद है, चतुसन है, सब बड़े बड़े महाभागवत हैं, बोले भैया आज से ये ब्रह्म लोक में नित्य निरंतर ही भागवत कथा चलते रहे, हर समय जैसे कथा कभी बंद नहीं हो, नित्य निरंतर कथा चलते रहे। कहते ये नारद जी सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी से ही उन्होंने ये भागवत कथा सुनी, लेकिन उन्होंने जो साप्ताहिक जो कथा है इन्होंने श्री चतुसन से सुने। स्वर्णकाद ऋषि उन्हें प्रश्न करते, बोले क्यों? ये नारद जी मुक्त महापुरुष है, फिर उन्होंने ये 7 दिन तक नियम करके क्यों कथा सुनी? बोले इसका कारण बताए। बोले एक दिन नारद जी इस मध्य जगत में आए, सर्वत्र उन्होंने भ्रमण तो किया लेकिन उनको मन में शांति कहीं नहीं मिली, लेकिन इस वृंदावन में उन्होंने इसी मर्त्य जगत में आए। बोले क्यों मर्त्य जगत में आए? बोले ये जो मर्त्य जगत है वो साधारण वस्तु नहीं, विशेष करके हमारी जो भारत है ना, इसका तो महिमा आप बता ही नहीं सकते हो, भारत की महिमा। इसलिए हमारा देश का नाम क्या है, हमारा देश का नाम क्या है? बोले भारत। बोले भारत है इसका नाम क्या? क्यों? बोले भा मतलब होता है प्रकाश और रत मतलब जो भारत के लोग हर समय ये प्रकाश का तरफ में चलते हैं, मतलब भगवान की भक्ति करते हैं। ये जो भक्ति है ना, कहते स्वर्ग लोक में भी देवता भी भक्ति नहीं कर सकते, अगर उनको भी भक्ति करना तो उनको भी इसी मर्त्य जगत में आना पड़ता है। और भारत में कहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं?
ये पृथ्वी लोक में भारत बोले कौन सा वंश में, बोले हिंदू घर में। किसके घर में? हिंदू घर में जन्म लेना चाहते हैं, वो अमेरिका में जन्म लेना नहीं चाहते हैं, वो लंदन में ऑस्ट्रेलिया में जन्म लेना नहीं चाहते। बोले क्यों? बोले वहां पर गंगा नहीं है, वहां पर यमुना नहीं है, वहां पर वृंदावन धाम नहीं है, वहां पर अयोध्या नहीं है, वहां पर जगन्नाथपुरी नहीं है, वहां पर कोई पवित्र नदी, वहां पर गंगोत्री यमुनोत्री उस स्थान वहां पर नहीं। वो सारे स्थान कहां पर? बोले भारत में। और भगवान जब इसी जगत में आए कौन सा वंश में आए? बोले भारत में आए। कृष्ण आए तो कहां पर आए? अमेरिका में या लंदन में आए? कहां पर आए? उन्होंने भारत में आए ठाकुर जी हैं। इसलिए ये भारत भूमि को सबसे पुण्य भूमि, ये भारत भूमि को मानी गई। इसलिए श्री नारद जी इसी भारत भूमि में आए और उन्होंने सर्वत्र घूमे, लेकिन जहां जहां घूमे है ना कहीं उनको शांति नहीं मिली, उनको शांति नहीं मिली। क्यों? बोले जितने तीर्थ जगह में देखा सारे दुष्ट लोग उसको आक्रमण करके बैठ गए वहीं पर। और घर घर में गए, घर में भी देखा वहां पर, बोले सालों तक वहां पर जो साला है ना देखा, वही उसकी परामर्श से घर चलता है, पिता माता की परामर्श नहीं, साला जो बोलेगा वही बात चल रहा है। फिर देखा स्त्रियां अपना इज्जत को बेच रही है, बेच करके उसको बिजनेस चला, बिजनेस रूप में परिणत कर दिया। उन्होंने जहां देखा ना ये कली सब जगह में बैठा हुआ बैठी, लेकिन सोचा भैया वृंदावन धाम चलते हैं। बोले क्यों? बोले वृंदावन धाम ये भगवान बांके बिहारी का धाम, ये वृंदावन नहीं, क्योंकि इसका नाम वृंदावन मतलब क्या, वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जहाँ तुलसी की बहने हैं, वृंद मतलब भक्त वृंद, जहाँ पर भगवान की भक्त लोग रहते हैं। कहते ये वृंदावन क्या है? बोले राधा रानी अपना हृदय को ये वृंदावन रूप में प्रकट किया है। क्यों? बोले कृष्ण की लीला भूमि वहाँ हो, कृष्ण की लीला हो, इसलिए राधा रानी ये वृंदावन को हृदय को बिछा करके रखने से राधा रानी, इसलिए उन्होंने श्री वृंदावन धाम में। लेकिन जब यमुना किनारा में गए एक आश्चर्य घटना देखा। बोले क्या देखा? बोले एक सुंदरी एक युवती बैठी हुई और उसको अगल बगल में कुछ सुंदरी सुंदरी सखियां उनकी सेवा कर रही थी, और उन्होंने देखा दो बेटे को देखा, दो व्यक्ति को अगल बगल में लेटे हुए और दोनों एकदम वृद्ध, बाल उनका सफेद हो गए, चमड़ी ढीला पड़ गई और वहां पर तो रोना धोना हो रहा था। इतने में नारद जी तो सोचा पहले से आप सत्संग हो रही है, जब देखा रोना धोना, भैया यहाँ पर क्या मेरा मतलब, नारद जी भागे। इतने में वो जो सुंदरी एक युवती थी बोले हे श्री नारद जी, बड़े भाग्य से श्री सत्पुरुषों का दर्शन मिलता है। अगर जीवन में किसी साधु का अगर दर्शन मिल जाए क्या समझो, जीवन तुम्हारी धन्य हो गया। इसलिए श्री विभीषण कहते हैं आज मोए भा भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिल ही नहीं सकता। भगवान की कृपा से ही जीवन में सत्पुरुषों का दर्शन हो जाए, और जीवन में जब सत्पुरुषों का दर्शन हो जाए क्या समझो, जीवन का हमारे सारे दुख हमारी खत्म हो गए, जीवन का सारे दुख हमारी समाप्त हो गई। अभी भगवान को पास में जाने का हमारी समय हुआ है, संसार का बंधन समाप्त हो गया है। इसलिए उन्होंने बोले नारद जी थोड़ा रुक जाओ। नारद जी रुक गए। बोले आप कौन हो? बोले आप क्या मेरे को भूल गए हो? बोले नहीं, लगता है आपको तो पहले कहीं देखा लेकिन याद नहीं आ रहा। बोले मेरा नाम है श्री भक्ति देवी और ये जो दो बेटे हैं ना सोए हुए हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। मतलब ये मेरे दोनों बेटे, एक ज्ञान एक वैराग्य, दोनों बेटे हैं। बोले नारद जी जगत में नियम होता है, माँ होती है बूढ़ी और बच्चे होते हैं जवान, लेकिन मेरी दुर्भाग्य देखो तो सही, माँ तो अभी जवानी बन गई और बेटे मेरे बूढ़े बन गए, इसलिए तुम कृपा करके मेरे बेटे को थोड़ा जवानी दिला दो। बोले ऐसे स्थिति कैसे हो गई? बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहब वृद्धि करना टके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जिर्णताम गता। बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहब, बोले द्रविड़ देश में मेरी जन्म हुई है,
कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं भक्ति देखने को मिली है, लेकिन मैं जब गुजरात में आया ना, देखा जितने नास्तिक सब गुजरात में, किसी घर में तुलसी की वृक्ष नहीं, किसी घर में ठाकुर जी नहीं, कोई भी भगवान के नाम तक नहीं लेते, बड़े नास्तिक ही है। अगर कोई साधु आ गए ना, चोटीधारी तिलकधारी, बोले कि चोटी देख करके बोले क्या तुम्हारी हरियाल है, अगर कोई तिलक लगा ले बोले भैया ये क्या चीज है, गले में कंठी पहन ले बोले ये लकड़ी क्यों पहन कर रखे हो, और जब तक उनको राज्य से निकाल नहीं देना उसको पीछे पड़ करके, तब तक उसको पीछा नहीं छोड़ते, इतने नास्तिक देश था। लेकिन कहते गुजरात में आ करके मैं हो गई बूढ़ी, लेकिन आप लोग अभी गुजरात में जाओ ना, देखना सबसे ज्यादा अगर कोई भक्ति करने वाले जानते हो कहाँ पर, गुजरात में सबसे ज्यादा, घर घर में तुलसी देखोगे, घर घर में ठाकुर जी को पूजा, और इतने निष्ठा नियम पूर्वक ठाकुर को पूजा करते हैं जो सोच भी नहीं सकते हो। सभी की गले में तुलसी की कंठी देखोगे, सभी की गले में कंठी, घर घर में भक्ति, घर घर में ठाकुर जी की आरती, घर घर में ठाकुर जी की पूजा। बता ये मोदी कहाँ के जानते हो, मोदी ये कहाँ के मोदी, ये कहाँ के मोदी, गुजरात के, बोले ये गुजरात इतने समृद्ध फिर कैसे हो गया, इतने भक्ति कहाँ से आई, बोले वहाँ पर बड़े बड़े साधु लोग वहाँ पर जन्म लिए। शास्त्र में कहता है जहाँ पर एक शुद्ध भक्ति करने वाले साधु जन्म हो जाए ना, तो उसकी प्रभाव में करोड़ों जोजन तक पवित्र हो जाती, करोड़ों जोजन तक, जहाँ पर एक साधु जन्म ले जाए, जब वो ऐसे हाथ उठा करके नृत्य करता है कि तो स्वर्ग में देवता को मंगल होता है, जब उन्होंने नेत्रों से कहीं देखते हैं क्योंकि उनको आंखों में कृष्ण भक्ति बैठा हुआ, कृष्ण प्रेम बैठा हुआ, जितने दूर तक वो देखेंगे देश का जितने अमंगल भाग जाएगी। जब वो कृष्ण प्रेम में नृत्य करते हैं, इनके चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी अपनी आप को धन्य मानती है। वहां पर बल्लभाचार्य, तुकाराम, नरसिंह भक्त, ये बड़े बड़े संत लोगों का जन्म हुई, इसलिए वो स्थान एकदम पवित्र हो गया गुजरात। और विशेष करके आप लोगों को पता है अभी हमारे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर पैसा है, बताओ तो हमारी भारत में कौन सा देश में सबसे ज्यादा पैसा वाला है, बता सकते हो कहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा वाले, पता है आपको, कहती है गुजरात में। बड़े बड़े बिजनेस मैन देखोगे सारे सब गुजरात में देखोगे, बोले भैया इतने पैसा उनके पास में कहाँ आ गए, यहाँ पर शिक्षा देती है। देखो इस चीज को ध्यान देकर समझो, जिस घर में ठाकुर को सेवा पूजा होगी ना, जिस घर में ठाकुर को सेवा पूजा होगी, ये कौन है, नारायण लक्ष्मी साक्षात भगवान, लक्ष्मी कहाँ जाएगी बताओ, लक्ष्मी कहाँ जाएगी, जहाँ पर ठाकुर जी की सेवा पूजा होगी, तभी तो लक्ष्मी वहीं पर कृपा करेगी ना। जिस घर में जितने ठाकुर को सेवा पूजा करके लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी, बोले ओ मेरे प्रभु को सेवा पूजा करे, लो पैसा लो, आपको वो पैसा छुपा छुपा कर दे जाएगी, क्यों, वो ठाकुर जी को भोग लगाए बगैर खाना नहीं खाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगा कर तो खाना खाएंगे ना, अगर उनका घर में अगर पैसा नहीं हो तो ठाकुर का सेवा कैसे चलेगा। इसलिए ये गुजरात में ये सबके सबके ज्यादा पैसा वाला कैसे, चूंकि वो घर घर में ठाकुर जी की भजन पूजा पाठ करते हैं, घर में ठाकुर की सेवा पूजा है। देखो एक छोटी सी कथा सुनो, बोले एक समय किसी की शादी था, वो शादियों में सब लोग को निमंत्रण दिया, उनने कुछ संतों को भी निमंत्रण दिया, बोले शादी में आना, अभी उसका जो व्यवस्थापक था उनका जो कुटुंबी लोग वो कुछ ना कुछ लेकर के आए थे, साधु लोग तो गए थे उनको कल्याण के लिए बुलाया था, उनको जो व्यवस्थापक था बोले एक काम करो, ये संत लोग तो कुछ लेकर के आए नहीं पकड़े, बोले उनको तरफ में जो बासी खिचड़ी है ना कल का, वो बासी खिचड़ी भेज देना, और जितने टाई कोट बूट जो पहन करके आए उनको तरफ में रसमलाई लेडीगिन चमचम शाही पनीर मटर पनीर चकाचक इनको तरफ में ये सब खान बढ़िया बढ़िया खाना भेज देना। हाँ देखो ध्यान देकर सुना, अभी ठाकुर जी को चिंता लग गई, बोले क्यों, बोले भैया मेरे भक्त लोगों को बासी खिचड़ी मिलेगी, और मेरे भक्त लोग क्या करते हैं, जब तक ये मेरे को भोग नहीं लगाएंगे खाना नहीं खाएंगे, मतलब अगर बासी खिचड़ी भेजेंगे तो मेरे को पहले भोग लगाएंगे, मतलब मेरे को पहले तो खिला करके खाएंगे ना, मतलब मैं खाऊंगा बासी खिचड़ी और मेरे भक्त लोग खाएंगे बासी खिचड़ी,
और ये जो टाई बूट कोट पहन करके आए, ये नाश्ती रसमलाई मालपुआ लड्डी चमचम इसे खाएंगे। कृष्ण स्वयं व्यवस्था बन कर प्रकट हो गए, और जो बासी खिचड़ी था ना, वो जितने कोट बूट पहन के बल उनको तरफ भेज दे, और जितने बढ़िया रसमलाई लेडी की निशाही पर निर्बल संतों को तरफ भेज दो, क्योंकि ये मेरे को तो भोग लगा कर खाएंगे ना, मेरे को बास भगवान पूरा उल्टा दिए। हाँ, इसका मतलब है जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, तभी माँ लक्ष्मी की तभी कृपा होती है घर में, ठीक है ना। इसलिए सबके सब जो जितने प्रभु की भक्ति करोगे, माँ लक्ष्मी आपको छुपा छुपा करके पैसा दे जाएगी। इसलिए गुजरात में इसलिए इतना पैसा वाले घर घर में ठाकुर के पूजा सेवा भक्ति, ठाकुर को बिना दिए कोई खाना ही नहीं खाते, गले में कंठी माला तिलक लगाते हैं, ठीक है। और हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण, हम लोग बोल नहीं रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले मैं वृंदावन में जब आई हूँ, मैं तो हो गई युवती, क्यों वृंदावन धाम ठाकुर का धाम राधा जी था, लेकिन मेरे जो बेटे ज्ञान वैराग्य हो गए पूरे। बोले क्यों? बोले वृंदावन एक रसिक धाम है, वृंदावन रसभूमि है, यहाँ पर कोई ज्ञान वैराग्य नहीं पूछते हैं, यहाँ पर तो बड़े सुंदर सुंदर गोपियाँ सुंदर श्रृंगार करती, सखा बड़े सुंदर कपड़े पहनते। बोले क्यों? बोले भगवान को खुश करने के लिए, ठाकुर को खुश करने के लिए है, और बढ़िया बढ़िया ठाकुर को भोग लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया प्रसाद पाते। बोले वैराग्य की जरूरत नहीं, और ज्ञान वृंदावन में एक स्थान है, उसका नाम ज्ञान गुदुरी। ज्ञान गुदुरी मतलब क्या? श्री उद्धव जी जब ज्ञान को लेकर के आए और गोपियों की बड़ी बड़ी उपदेश दे रहे थे, कितना उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल, और ज्ञान बजाए डुगडु की बाजे प्रेम की ढोल। वहां पर तो प्रेम की ढोल बज रही है, ज्ञान को कोई ग्रहण करने वाले नहीं, कृष्ण को तो अपना प्रियतम सखा, कृष्ण को अपना बेटा मानते, कृष्ण को भगवान कोई नहीं मानते। इसलिए कहते ये ज्ञान वैराग्य तो यह हो गए बूढ़े, लेकिन भक्ति हो गई जवानी। बोले नारद जी मेरे बच्चों को थोड़ी जवानी दिला दो। बोले कोई चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों को हम जवान बना दूंगा। बोले अगर बना दिया ना, तेरे हृदय छोड़ कर फिर हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर श्री नारद जी ज्ञान वैराग्य की कहानी में उन्होंने वेद पुराण उपनिषद सब कुछ बोले, लेकिन उनकी चेतनता नहीं गई। नारद बड़े दुखी हो गए, सब आश्रम में सब जगह में जाकर के पूछे, लेकिन इनकी प्रश्न का उत्तर कोई भी सही नहीं दे पाए। लेकिन जब बद्रिका धाम पर पहुंचे चतुसन के पास में, बोले ये कौन सा बड़ी वाली बात है, ये तो चुटकी बजाते ही ये जवानी हो जाएगी। बोले कैसे? बोले तू क्या भूल गया, जब श्री व्यास देवज ने सारे शास्त्र को रचना की शांति ने की, लेकिन जब उनको तुमने भागवत ग्रंथ रचना करने के लिए बताया, पूर्ण शांति तभी मिली। इसलिए भागवत सुना, भागवत इनको कथा सुना, ये भागवत कथा से ये ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे। बोले इसका मतलब क्या है? देखो जो ज्ञान वैराग्य है ना, इससे भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान केवल भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। लेकिन ये जो ज्ञान है ना, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, मतलब जीव जो निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ये ज्ञान नहीं है। जैसे अभी हम कथा सुन रहे हैं, ये भी तो ज्ञान है, लेकिन ये भक्ति को मदद करने वाला ज्ञान। वैराग्य से भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान अनुराग से मिलते हैं, प्रेम से ठाकुर जी मिलते हैं। इसलिए जो ज्ञान वैराग्य भक्ति के दो बच्चे हैं, ये जो भगवान की भक्ति को जो मदद करने वाले, ये शुष्क वैराग्य नहीं। बोले भैया ये कथा आप ही सुना दो। बोले ठीक है। बोले कहाँ पर सुनाएंगे? बोले हरिद्वार में सुनाएंगे, आनंद नाम का घाट पर कथा सुनाएंगे। जब ये भागवत कथा चतुसन करेंगे, ये बात प्रचार हो गया ना, सबसे पहले तो वैष्णव लोग भागते भागते आए, क्योंकि जो भागवत ग्रंथ है ये वैष्णव का ग्रंथ है, ये भक्तों का ग्रंथ है। उसके बाद में कहते देव लोग से देवता लोग भी आए, ब्रह्म लोग से ऋषि लोग भी आए,
और जितने गंगा जमुना सरस्वती सबके सब वहां पर आए और जितने सारे दंडकारनादि सब बन भी मूर्तिमान रूप में वहां पर आए। जब वो कथा कराने जा रहे थे इतने में स्वर्ग से देवता लोग भी जय ध्वनि दिए, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतमुखी जय जय श्री राम। हाँ देखो इसका तात्पर्य यह है, देखो जैसे आप लोगों की कथा सुन रहे हैं ना, आप मत समझो केवल हम ही कथा सुन रहे, कोई नहीं, यहाँ पर जितने ऋषि मुनि देवता जितने गंगा जमुना सरस्वती ना सबके सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके सब छुप करके यहाँ पर बैठ कर कथा सुन रहे हैं, सारे देवता बैठ कर कथा सुन रहे हैं। बोले एक समय में कोई एक साधु कथा सुनने के लिए गए, जैसे पैंडल लगा हुआ था, जब उन्होंने अंदर में घुसने के लिए कोशिश की देखा वहां पर इतने लोग बैठे हुए थे, वहां पर प्यार भी रखने के लिए जगह नहीं था, लेकिन वो शुद्ध संत थे, वो देख रहे थे भैया कथा में कौन कौन बैठे हुए, वे साधारण व्यक्ति नहीं बैठे, सारे देवता लोग बैठ कर कथा सुन रहे, सारे ऋषि मुनि कथा सुन रहे थे, गंगा जमुना सरस्वती साक्षात रूप में बैठ करके कथा सुन रहे थे, सारे देवता लोग भी कथा सुन रहे थे। इसलिए ये कथा में सबके सब आकर के जहाँ जिसको स्थान मिले वहीं पर बैठ करके ये कथा को श्रवण करते हैं। अभी देवता लोग स्वर्ग से प्रसन्न होकर के जयकार किया, मतलब कहीं अगर कथा होना ये देवता लोग भी खुश हो जाते, बोले भागवत कथा हो रही है, कितने पुण्य की चीज है, बड़े भाग्य से ये कथा सुनने को मिलती है। इतने में भक्ति देवी अपना दो बच्चों को ज्ञान वैराग्य को लेकर के आए, बोले भैया हमें भी कहीं स्थान दे दो बैठने के लिए। बोले देखो तुम्हारी जो स्थान है ना, ये जितने कथा सुन रहे ना, ये जितने सब कथा में बैठे इनके हृदय में बैठ जाओ। कहते ये भक्ति देवी कौन है, बोले श्री राधा रानी। अभी जो कथा सुनते हैं उनके हृदय में कौन बैठ जाते हैं, बोले श्री राधा रानी बैठ जाती है। अगर राधा रानी अगर हृदय में बैठेगी ना, फिर आनंद ही आनंद है, फिर आनंद ही आनंद है, सबके सब प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो करके वहाँ पर चतुष्ण कथा सुना रहे थे और वहाँ पर सुंदर सुंदर कीर्तन हो रहा था, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय
कीर्तन की प्रभाव से गोलोक वृंदावन से सख्यात प्रिया प्रियतम प्रकट हो गए सारे सखा सखियों के साथ में। और वहाँ पर नारद जी बिना बजा रहे थे, उद्धव जी वहाँ पर पखवज बजा रहे थे और अर्जुन मजीरा बजा रहे थे, सुखदेव गोस्वामी बड़ी सुंदर नृत्य कर रहे थे। और ये कथा की प्रभाव से वहाँ पर जितने लोग बैठे हुए थे ना, सभी के लिए एक एक रथ आया और सबके सब रथ में बैठे करके और सबके सब भगवत लोक में चले गए। देखो आप लोग भी यहाँ कथा सुन रहे हो, जब ये कथा का विश्राम होगा ना, आप जितने लोग बैठे हुए सबके लिए एक एक रथ आएगा आपको लेने के लिए वृंदावन। आप जाओगे सचमुच से, अगर कथा के बाद में रथ किसके लिए आ गया बताओ, कौन कौन जाओगे वो लोग ठाकुर के पास में जाओगे आप लोग? सही बता रहे हो, अगर सचमुच से रथ आ गए ना, यहाँ सब एक भी नहीं दिखाई पड़ेगा, सब यहाँ से भाग जाएंगे। बोले भैया अभी बेटी की शादी नहीं हुई, अभी पति है, अभी बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, इसलिए यहाँ ना सबके से भाग जाओ यहाँ से। बोले हमें तो भगवान का धाम है, नहीं जानी। नहीं देखो आप चिंता मत करो, जब तक ये संसार का सारे आसक्ति खत्म नहीं हो जाए ना, तब तक रथ आने वाले नहीं, इतना आसारे नहीं, यहाँ पर भगवान की रथ आ जाए, इसलिए कोई चिंता मत करो, बढ़िया से कथा सुन ठीक है। अभी जब सबके सब वहाँ के कीड़े मकोड़े भी भगवत गति को प्राप्त हो गई, इतने में श्री नारद जी प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु अगर कोई प्रेत जोन में पड़ा हुआ है, किसी तरह से उसको मुक्ति नहीं हो रही, क्या ये भागवत कथा से उससे भी मुक्ति मिलेगी? बोले तू क्या प्रश्न कर रहे हो? अरे जब भगवत कथा सुनते सुनते जी भगवत प्रेम और भगवत गति और भगवत धाम को चला गया और प्रेत जोनि से मुक्ति नहीं होएगी। बोले ठीक है, तेरे को मैं एक सुंदर कथा सुनाता हूँ, अभी ध्यान देकर सुनो। बोले बताओ। बोले एक ब्राह्मण था जिसका नाम था आत्मदेव, इसके पास में सारी सुख है, सारी सुख है, अच्छे घर में जन्म हुआ है, पैसा भी कम नहीं, देखने में भी बड़े सुंदर है, पत्नी भी बड़ी प्यारी है, घर में जो कुछ चीज होनी चाहिए, कहते पूर्ण रूप में उसको पास में सारी चीज थी, लेकिन कमी एक चीज की थी, घर में कोई संतान नहीं, इसलिए बड़ा दुखी, घर में कोई संतान की जन्म हो जाए। लेकिन उसकी पत्नी का नाम क्या थी? बोले धुंधुली। पति का नाम क्या था? पति का नाम क्या था? बोले आत्मदेह। देखो ये संसार में भी कभी कभी ऐसे होता है, पति तो कभी कभी बड़े भक्ति करने वाले पति होते हैं, हाँ कभी कभी पति प्रभु को मानने वाले भक्ति करने वाले, देखना कभी कभी जो पत्नी है ना वो बड़े धुंधली, धुंधली मतलब अंधकार अज्ञानी, कभी भक्ति में एकदम प्रतिकूल रहती है,
कभी कभी देखना पत्नी तो बड़ी भक्ति करती है ठाकुर का सेवा पूजा, कभी कभी देखना पति वो बड़े दुष्ट होता है, पति बड़े दुष्ट कभी कभी होता है। भगवान की विशेष कृपा हो कभी कभी पति पत्नी दोनों अच्छे होते हैं, पति पत्नी दोनों ही अच्छे होते हैं, पति भी भजन करता है पत्नी भी, ये बड़े भाग्य से कहीं जीव को प्राप्त होता है। अगर पति पत्नी दोनों अगर भक्ति करे ना, देखना गाड़ी बहुत बढ़िया चलेगी, गाड़ी बहुत बढ़िया चलेगी। इसलिए लेकिन पति तो बड़ा आत्मदेव, लेकिन पत्नी धुंधली अंधकारी अज्ञानी, भक्ति भक्ति में कोई रुचि नहीं, रोज पास पड़ोस को साथ में रोज झगड़ा, अगर कहीं बैठ गए तो सबके सामने सारा दुनिया की बात, कहीं प्रभु की कोई चर्चा ही सारा दुनिया की गंदी गंदी बात है। लेकिन घर में तो सारे सुख है, लेकिन घर में एक चीज की कमी है। बोले किस चीज की? घर में कोई संतान नहीं, बड़े दुखी। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं आप, कभी कभी देखना कभी कभी घर में सारे चीज है, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन घर में देखना कभी कभी शांति सुख नहीं आती, कभी कभी घर में शांति, सब चीज घर में रुपया पैसा धन दौलत घर में सब चीज देखना, लेकिन कभी कभी देखना घर में शांति सुख नहीं। बोले क्यों शांति सुख नहीं? कारण क्या? बोले कारण है कि जो आत्मदेव ब्राह्मण था ना, इसको पास में बहुत पैसा था, लेकिन वो आदमी बड़े ही कद्दूसी है, एक भी पैसा कभी सत्संग में कहीं भगवत सेवा में कहीं प्रभु की सेवा में एक पैसा निकलता नहीं हाथों से, एक भी पैसा हाथ से नहीं निकलता था, केवल पैसा को जोड़ते 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 रहता था पैसा। कहते ये पैसा कौन है? कहते लक्ष्मी। अगर ये लक्ष्मी जब तक नारायण की सेवा में नहीं लगेगी ना, कहते भैया भले ही घर में जितने लक्ष्मी आए, कहते वो लक्ष्मी कभी सुख नहीं देता है। देखो आपको एक सही घटना सुना रहा हूँ, ये चीज को ध्यान देकर सुनो, ये हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म भी कथा गुरु थी, ध्यान देकर सुना। दो पति पत्नी थे, लेकिन वो बनिया घर में स्वर्ण बनी, सोने का काम है। वो दो क्या करते थे? केवल पैसा जोड़ना, केवल पैसा जोड़ना, और कभी उन्होंने सत्संग में भी नहीं जाए। बोले क्यों? बोले वहां जाएगा तो कुछ पैसा देना पड़ेगा, कुछ पैसा हाथ से निकल नहीं जाए, इसलिए एक पैसा वो इसी डर से सत्संग में भी नहीं जाया करता था। अभी दोनों पत्नी पत्नी केवल जोड़ते रहे, किसके लिए? बोले बच्चों के लिए। अभी ऐसे करते करते अभी पिता माता का गुण तो बच्चे में आएगा, जब उनको घर में बेटा हुआ ना, उसका गुण उसको अंदर में भी आया, वो भी कहीं सत्संग में नहीं, ठाकुर मंदिर में नहीं, और केवल पैसा जोड़ना जोड़ना, धीरे धीरे उसका जो गुण आया उसको बीवी के अंदर में, जब बीवी पत्नी के अंदर में आई, धीरे धीरे ये दोनों का हृदय धीरे धीरे शुष्क हो गया, दिन का हृदय हाँ, कहीं भगवत कथा नहीं, कीर्तन नहीं, कोई संस्कार नहीं इनके अंदर में। अभी धीरे धीरे ये जो पति पत्नी, जो बेटा पत्नी, अभी पिताजी को अनादर करना शुरू कर दिया, ठीक से खाना नहीं खिलाते, ठीक को उनको देखभाल नहीं करते, पूछते नहीं। बोले क्यों? पिता माता का गुण बच्चे में भी आया, सत्संग में जाते बच्चों को अंदर में संस्कार पड़ता है, सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूनी चाहिए, सत्संग में तो ये बात मिलती है ना है, रामायण पढ़ोगे तो क्या आता है, प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमहि माता, ये सत्संग में ही ये चीज शिक्षा मिलती है, सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूनी चाहिए, पिता माता की सेवा करनी चाहिए। अभी एकदम हृदय शुष्क हो गया, जब पिता माता को अनादर करने लग गए, एक दिन पिता माता दोनों पति पत्नी को बुलाए, बेटे उनको तीन बेटे थे, तीन बेटे और बहुओं को बुलाए, बोले देखो बच्चों हमने जितने ये पैसा संग्रह किया तुम लोग ने किया, हमने अच्छे खाए नहीं अच्छे पहने नहीं, तुम लोगों के लिए नहीं सारे पैसा इकट्ठे किए, लेकिन तुम लोग हमारा प्रति अनादर कर रहे हो, खाना पीना ठीक से नहीं खिलाते हो, हमारे नेगलेक्ट करते हो, उसको देख करके बड़ा कष्ट होता है। देखो बच्चों तुम लोग मेरे तीन बच्चे हैं ना, जो बेटा हमें ठीक ठीक से हमारी सेवा करेगा उसको हम ज़्यादा पैसा देकर भी जाएंगे। अभी ये बात सुन करके तीनों बच्चों तीनों बहू चले गए और घर में मीटिंग किया। बोले देखो ये पिताजी पता नहीं किसको कम देंगे किसको ज़्यादा देंगे, एक काम करो ये पिता माता दोनों को तीर्थ यात्रा में इनको भेज दो, जब तीर्थ यात्रा में चले जाएंगे इनकी जितने पैसा है ना इसी घर में, जब चले जाएंगे फिर हम ताला तोड़ करके सारे पैसा को बंटवारा कर लेंगे।
तीनों बच्चे आकर के पिताजी को बोले, पिताजी आप वृद्ध हो गए हो, ये जो नवद्वीप जो धाम है कलयुग में ये सबसे ज्यादा पुण्य धाम है, आप थोड़ी सी तीर्थ जा करके थोड़ा तीर्थ भ्रमण करके आ जाओ हैं, आपको साथ में खाने पीने के लिए व्यवस्था कर देंगे, एक व्यक्ति को भेज देंगे। अभी पिता माता तो बड़े खुश हो गए, बोले बच्चे बदल गए, क्यों हम थोड़ा आपको शासन किया ना, समझाया। इतने में बोले देखो तुम्हारे लिए गाड़ी की भी व्यवस्था कर देते हैं। बोले बच्चे कोई गाड़ी की जरूरत नहीं, हम पैदल में चले जाएंगे, पैदल में चलते चलते चले जाएंगे। अभी जब वो तीर्थ यात्रा में चले गए, इतने में तीनों बच्चों ने जहाँ पर ये सारे रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी था ना, वो तोड़ दिए, तोड़ करके तीनों बच्चों ने आपस में बात करके सब पैसे ले लिए। अभी एक व्यक्ति उसी गांव का एक व्यक्ति दूसरे दिन वो लोग नवद्वीप में गए थे, वहां पर पहुंचे, बोले आप दोनों तो तीर्थ यात्रा में आ गए, आपका जो बच्चे है ना तुम्हारी घर का ताला तोड़ करके वो जितने पैसा सबके सब अपना आपस आपस से बंटवारा कर दिए, और वो कह रहे हैं आप जाओगे तो घर में घुसने नहीं देंगे। अभी तो दोनों रोना शुरू कर दिया, इतने जीवन का सारे संपत्ति एक एक जोड़े और सारे संपत्ति बच्चे ले लिए, रोने लग गए। लेकिन उनको साथ में जो एक माता जी वो भक्ति करने वाली, बोले देखो तुम लोगों जिंदगी में कहीं सत्कर्म में पैसा नहीं लगाया, इतने कंजूसी की सारे पैसा को जोड़ते रहे, सत्संग में भी नहीं गए, बच्चों के ऊपर में कोई संस्कार नहीं डाले, केवल पैसा पैसा जोड़े, इसलिए बच्चों के ऊपर में इतने बुरे संस्कार पड़ा। देखो एक काम करो, अभी नवद्वीप धाम में रहो, यहीं पर भजन करो। बोले ठीक है, यहीं पर एक दुकान हम खोलेंगे, हैं मुद्दीखाना दुकान खोल करके, हमने कभी संतों की कभी ब्राह्मण की ठाकुर का सेवा नहीं किया, रोज रोज एक साधु सेवा करेंगे, संत सेवा करेंगे, फिर वहीं पर धाम में रह करके भगवान की भजन करते हुए जीवन को बिता दिया। हाँ, यहाँ पर शिक्षा देते हैं, पैसा लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी तब तक सुख नहीं देगी जब ये लक्ष्मी भगवत सेवा में नहीं लगता है। इसलिए घर में तो सारे चीज है लेकिन घर में संतान नहीं, इसलिए दुखी है, इसलिए दुखी। एक दिन इतने दुखी हो गए, बोले ये शरीर ही त्याग दे दूंगा, जंगल में गए प्राण त्याग देने के लिए। क्या ठाकुर जी जब किसी जीव के ऊपर कृपा करते हैं ना, दो रूप में आते हैं, संत रूप में नहीं तो ये ब्राह्मण रूप में भगवान आते हैं। मानो आज स्वयं ठाकुर जी ये संत रूप धारण करते हुए आए। बोले बेटा क्या बात, क्यों रो रहे हो? बोले बाबा घर में तो सारे चीज है, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन घर में कोई बाल बच्चे नहीं है इसलिए हम दुखी है। संत ने समझाया, देखो अगर तुम्हारे घर में बच्चे नहीं तो दुखी मत हो, दुखी नहीं होकर के जो गोपाल है ना ठाकुर जी को बच्चे मानो, जो एनर्जी तुम बच्चों को देने का था वो एनर्जी बच्चे में नहीं दे करके अगर तुम भगवान की सेवा करोगे ना, ठाकुर जी की सेवा करोगे ना, बताओ इनसे बेटा कोई बढ़िया बेटा होगा? इनसे बढ़िया बेटा कोई नहीं होगा। देखो वृंदावन में ये सच घटना है, कोई एक माता जी थी जिनकी कोई संतान नहीं थी, उसने जिंदगी भर जो लड्डू गोपाल को, उसने जिंदगी भर लड्डू गोपाल की सेवा की, जिंदगी भर गोपाल की सेवा की, लेकिन अभी वो वृद्धा हो गई तो अब उनकी सेवा कौन करेगा? ये ठाकुर जी करते थे। उनके लिए पानी ले आना, मार्केटिंग करके लाना, उनके लिए रसोई बनाना, भगवान स्वयं करते थे उनके लिए। इसलिए शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं जो जिंदगी भर मेरी सेवा करते हैं, जब वो वृद्ध हो जाते हैं ना, उनकी सेवा मेरे को करना पड़ता है। क्यों? उसने जिंदगी भर मेरी सेवा की, अभी उनकी सेवा कौन करेगा? इसलिए ठाकुर जी को स्वयं सेवा करना पड़ जाता है। ठाकुर जी को इतने महत्व है, ठाकुर जी की सेवा करने का बड़ी महत्व, ठाकुर को सेवा करने का। इसलिए बोल देख बेटा तुम भगवान की सेवा करो, इसी में शांति सुख है। बोले तुमने सगर महाराज का कथा सुने? बोले हाँ। बोले बता सकते हो कितने बच्चे थे? बोले 10,000। 10,000 बच्चे थे लेकिन कपिल मुनि की अभिशाप से सबके सब खत्म हो गए, शांति नहीं मिली। बोले चित्रकेतु महाराज का नाम सुने? बोले हाँ। बोले पता है कितने बीवी थी? बोले 1 करोड़ उन्होंने शादी की, बच्चा नहीं, एक के बाद में दूसरे, दूसरे के बाद में तीसरे, ऐसे करते 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 1 करोड़ उन्होंने शादी कर ली। अभी
पर्वत आदि की तो किसी संतों की कृपा हुई, इन्होंने इनको एक फल दिया खाने के लिए, वो फल से एक बच्चा हुआ उनको। जब बच्चा हुआ, जिसकी बच्चा हुई, राजा उसको ज्यादा प्रेम करने लगे और जितने उनकी पत्नियां थी ना, और सबके सब दहा आ गई। बोले राजा तो पहले पूछते थे हमें, जब से ये बच्चा हुआ जिस रानी से, अभी तीन भर उसी रानी के पास में राजा बैठते हैं, उससे बात करते हैं, हमें पूछते नहीं। बोले यही बच्चा हमारी काल बनकर के आया, इसलिए उसको जहर देकर के बच्चे को मार डाले। इतने राजा दुखी हुए। फिर बाद में प्रभु की भजन करने गए, बोले देख बेटा, संतान से सुखी नहीं, सुखी है भगवान की भक्ति से। देखो हम दुनिया जाते हैं, हम दुनिया प्रचार करने के लिए जाते हैं, प्राय करके हमारे पास में जो लोग आते हैं ना, जो संतान से ही दुखी, संतान से ही कोई आकर के तो बाबा बेटा बात नहीं सुनता है, अब पता नहीं जब घर में बहू आ गई क्या हो गया बेटा को, वो बहू की बात सुनता, हमारा बात तो सुनता नहीं, बेटा का ऐसे 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 है प्राय करके। इसलिए बोले भैया भगवान की भजन भक्ति करो, इसमें शांति सुख है। लेकिन वो सुना ही नहीं। बोला देखो मैं देख रहा हूँ, सात जन्म तक तेरे कोई बच्चा होने वाले नहीं। बोले सात जन्म तक एक जीवन में बच्चा नहीं, इतना कष्ट और सात जीवन तक। बोले आप जब बता सकते हो सात जन्म तक बच्चा नहीं, कहते आप बच्चे भी दे सकते हो। चरण पकड़ कर रोने लग गए, तो उन्होंने के फल लेकर के बोले लो पत्नी को खिला देना, बोलना गीता भागवत पढ़े, बड़ा सुंदर बेटा होगा। लेकिन पत्नी का नाम धोंदुली, वो कहाँ संतों की वस्तु ग्रहण करेंगी। दुखी हो गई सहेली आई, बोले क्या बात। बोले ऐसे ऐसे बात। बोले चिंता मत करो, मेरे पति को पास में पैसा नहीं, तेरे पति को पास में ज्यादा पैसा, कुछ पति मेरे पति को पैसा दे दो और तुमने ये फल को गैया को खिला दो, ये फल सही ना गलत गैया से पता चलेगा, और तू पेट में कपड़ा बांध करके ना वो झूठ मूठ की बहाना बना करके सोते रहो, और मेरे घर में जब बच्चा होगा मैं छुपा करके तेरे घर में दे जाऊंगी। उसने ऐसे कर दिया और पंडित तो बड़ा खुश हुए, घर में लाला भयो है लाला भयो है, लेकिन इस स्तन में दूध नहीं। बोले क्यों, जब तक बच्चा नहीं आता है ना तब तक स्तन में दूध नहीं उतरती है। बोले स्तन में दूध नहीं, मैंने सुना मेरी सहेली के घर में भी बच्चे हुए, बुला लाओ। बोले बुला कर ले आओ, कोई बात नहीं, जिसकी बच्चा वही पालना कर रही। लेकिन अभी गैया बड़े दिन से बांझ था, कभी बच्चा जन्म नहीं किया, लेकिन इस संतों का फल कभी नष्ट नहीं होगा, इसलिए उन्होंने गैया को फल खिलाया तो गैया बांझ बन गई थी। लेकिन इस संतों का फल खा करके ये गैया भी बड़ा सुंदर संतान जन्म दिया। सारा गई शरीर तो राजकुमार जैसे, लेकिन कान केवल गैया जैसे, सारा दुनिया देखने के लिए आए। बोले भगवान जब देते नहीं, जब देते हैं ठाकुर छप्पर फाड़ करके ठाकुर जी देते हैं। देखो घर में दो दो बच्चे हुए, घर में अभी दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े ही हो तो नाम करना संस्कार है, जो नाम करना संस्कार है ना, देखो ध्यान देकर सुनो, बच्चों का नाम ऐसे नहीं जो मुंह में आए दे दिया, नहीं, ऐसे बच्चों का नाम नहीं रखने चाहिए। नियम है उसका जन्म कुंडली को देखो, कौन सा नक्षत्र कौन सा समय में जन्म हुआ, एक अक्षर निकलता है, वो अक्षर को पहले रख करके कुछ नामकरण करो, उसका नामकरण करो, फिर तो बच्चे के ऊपर अच्छे संस्कार पड़ेगा। जिस नाम से बुलाओगे ना अच्छी संस्कार पड़ेगा, और जो नाम है ऐसे नहीं टुल्लू बुल्लू टिक्की फिक्की ये सब नाम नहीं मानना। क्या नाम देना, कोई ठाकुर जी का नाम दो, नहीं तो किसी भक्तों का नाम दो। कम से कम जिह्वा से जितना बार प्रभु का नाम निकलेगा उतना बार ठाकुर का जिह्वा भी पवित्र, घर भी पवित्र, जिस बच्चे को आप भुलाओगे ना उसका भी कल्याण है, उसका भी कल्याण है। इसलिए बच्चों का नाम ठाकुर का नाम पर धराओ। इसलिए हम आगे सुनेंगे, अजामिल सबसे छोटा बेटे का नाम नारायण रखा, और मरते समय एक बार नारायण नाम लिया तो मुक्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी, है ना। इसलिए कम से कम बच्चे का बहाना से तो जीवस नाम आएगी ना। इसलिए जितने बड़े बूढ़ों का नाम पूछो, जितने माताओं को कमला लक्ष्मी मीरा राधा सीता सब यही नाम देते थे, उल्टा पुल्टा नाम नहीं देते थे। लेकिन ये अंग्रेजी हवा आकर के ना
कहते अरे जो पुराना नाम है गीता सीता और कृष्ण गोविंद, अभी तो हम सब अंग्रेजी नाम देंगे बच्चों को, हैं? इसलिए कि टुन्नू बुल्लू टिक्की पिक्की जो नाम है ना, कहते ये विदेश में सब कुत्तों का नाम है, इसलिए अभी हम बच्चों का नाम कुत्तों का नाम पर धरवाते, ठाकुर का नाम पर नहीं धराते, ठीक है ना? इसलिए ठाकुर का नाम पर धरवाना, उल्टा पुल्टा नाम मत लगवाना। इसलिए अभी उन्होंने नामकरण संस्कार में एक का नाम तो गोकर्ण रख लिया और दूसरा का नाम रख दिया धुंधुकारी। पत्नी जोर जबरदस्त रखवाई, मेरा नाम धुंधुली और बेटा का नाम होगा धुंधुकारी। धुंधुकारी का मतलब क्या है? जो बोले धूम धूम करोती इति धुंधुकारी, जो जीवन को दुखी दुखी कर दे, कहती ये धुंधुकारी। दोनों बच्चे बड़े हुए, गोकर्ण तो बड़ा विद्वान बड़ा पंडित बना गोकर्ण, और जो धुंधुकारी ना बड़ा दुष्ट बना, खाल माँ बदमाश बना है। जब बड़े हुए किसी घर में आग लगा दे, किसी बच्चे को कुएं के सामने खड़े हुए देख रहे धक्का मार कर कुएं में गिरा दे, शाम होते ही दस विध शिकायत, तेरा बेटा ऐसे किया तेरा बेटा ऐसे किया। अभी आत्मदेव को ज्ञान आया, संत सही कह रहे थे संतान से सुखी नहीं बनोगे, सुखी बनोगे भगवान की भजन से, भगवान की भक्ति से। उसने अपना बेटा गोकर्ण को पास में गया, बोले बेटा बताओ कल्याण कैसे होगा? बोले पिताजी स्वर्ग का राजा भी सुखी नहीं, इंद्र भी सुखी नहीं, मर्त्य जगत में राजा भी सुखी नहीं, पिताजी केवल एक व्यक्ति सुखी जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान की भजन करते हैं, केवल पिताजी वही व्यक्ति सुखी, दुनिया में कोई सुखी नहीं। इसलिए आप ये संसार की सारे माया ममता मोह को त्याग दो, त्याग दे करके संतों की संग से भगवान की भक्ति करो, इसी से ही आपको शांति सुख मिलेगा। इसलिए आप लोग एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। अभी उनको ये ज्ञान की प्राप्त हुई, उन्होंने प्रभु का भजन करने के लिए चले गए, घर में रह गई मैया, अपनी खूब मैया को मारे, बोले बता पिता कहाँ पर पैसा रखे, शराब पीऊंगा मांस खाऊंगा जुआ खेलूंगा। मैया खूब पीटे, मैया दुखी होकर कुएं में छलांग लगाकर प्राण त्याग दिए। उसने घर में छह छह बेसियां को बुला करके ले आए, कोई बोले कपड़ा दो कोई बोले गहना दो। एक दिन राज दरबार में डाकू डाला, बहुत पैसा लूट करके लाया, बेसियाओं ने देखा घर सवेरे होते सीआई भी लग जाएगी, पकड़े गए थे सबके सब जेल जाएगी। बोले एक काम करो राता रात इसको मार करके हम चले जाते हैं, और राता रात बड़े बुरी तरह से उसको मार डाले और गड्ढे खोद करके गाड़ दिए और चले गए। अभी ये बन गया प्रेत। जब श्री गोकर्ण आया, बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दिया है, तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतने पाप किया है, एक बार क्यों, मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दोगे ना मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने सूर्य देवता को प्रश्न की, बोले केवल ये भागवत कथा से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने दूसरे दिन सारे गाँव वालों को बुलाए और 7 गांठ का बांस को काट दिए, 7 दिन में 7 गांठ बट गई। बोले ये 7 गांठ क्या है? बोले ये संसार में आने पर हम लोग 7 तरह का बंधन में बंधे हुए हैं, पिता माता भाई बंधु ये सभी के बंधन में हम बंधे हुए हैं। जब तक ये 7 तरह का बंधन को खत्म नहीं होगा तब तक हम ठाकुर जी के पास में नहीं जा सकते हैं। इसलिए उनको सारे बंधन की गांठ खुल गई। वैकुंठ से रथ आया, बड़े सुंदर चतुर्भुज धारण करते हुए बैठ करके जा रहा था वैकुंठ। इतने में गोकर्ण ने प्रश्न किया, बोले भैया यहाँ पर तो इतने सारे लोग बैठे हुए कथा सुनने के लिए, लेकिन आप एक ही रथ क्यों लाए, सबके लिए तो रथ लाना चाहिए था ना। बोले देखो यहाँ जो कथा है ना केवल एक व्यक्ति ने सुना है, कोई कथा नहीं सुनी। बोले क्या बोल रहे हो, यहाँ पर बैठे हुए इतना व्यक्ति, बोले थोड़ी बैठने पर हो जाएगा, कथा सुननी चाहिए।
हाँ बोले कमी क्या है, बोले पहला कमी है विश्वास गुरु वाक्य से। सबसे पहला नंबर विश्वास करनी चाहिए। अगर कोई सोचे अरे ये साधु लोगों ने पता नहीं कहा किसने भूत पिशाच को देखा है, ये तो अपना पेट पालने के लिए सब कहानी बना दी, कहते भैया फिर ये भागवत में फल देने वाले नहीं, क्योंकि तुम्हारी विश्वास नहीं है, तुम्हारी भगवान के प्रति विश्वास, कथा के प्रति विश्वास नहीं। इसलिए जो हम लोग भगवान के नाम जप कर रहे हैं ना, ठाकुर जी का जो नाम जप कर रहे हैं, इसलिए पहले तो प्रभु के नाम का प्रति विश्वास होनी चाहिए। गुरुदेव ने हमें जो माला दी है, ये माला नहीं, ये माला कौन है, स्वयं ठाकुर जी हमारे पास में आए, ठाकुर जी माला रूप में आए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब गुरुदेव हमें ये हरि नाम की माला देते हैं ना, बोले भगवान से मिलना और ये माला ग्रहण करना एक ही बात है, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए कलियुग में भगवान नाम रूप में आए हैं, इसलिए कलियुग में ही प्रभु का जो नाम को बड़े विश्वास पूर्वक प्रभु का नाम को जप करनी चाहिए, ठीक है ना। देखो ये अधिक महीना है, ये अधिक महीना में हर समय अपना पास में माला रखा करो, माला जैसे कभी हमसे अलग नहीं हो, दुनिया तो एक दिन अलग हो ही जाएगी, लेकिन एक प्रभु का माला जैसे कभी अलग नहीं हो, ठीक है ना। सबके सब इसी महीना में अगर एक माला करोगे ना, सब माला करने की फल मिलेगी, कल ये पुरुषोत्तम महीना में। इसलिए कोशिश करना जितने माला जप करते हो, कोशिश करना इसी महीना में थोड़ी सी ज्यादा माला करने के लिए इसी महीना में, क्यों ये अधिक महीना है। आप जो कुछ माला करके मांगोगे ना, सारी इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। इसलिए थोड़ा ज्यादा नाम करना, जितने घर में नियम बना देना, रोज सवेरे उठ करके रोज गोपाल जी को स्नान कराएंगे, हाँ पंचामृत से स्नान कराएंगे और उनकी चरणामृत लगे, तुलसी को दिया जलाएंगे, तुलसी परिक्रमा करेंगे, थोड़ी सी गीता हो भागवत हो घर में नियम करके रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये महीना की विशेष महत्व इसी महीना की, ये इसका नाम पुरुषोत्तम महीना, ठीक है। इसलिए पहला कमी किया बोले विश्वास होनी चाहिए, बोले दूसरे कमी किया बोले स्वस्मिन दिनत्व भावना, कहते कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले दीनहीन होकर के, अहंकार से नहीं अभिमान से कथा नहीं, दीनहीन होकर कथा सुननी चाहिए। और जो तीसरा नियम है मन को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके एक मन से कथा सुनो, दो मन से नहीं। अगर यहाँ पर बैठे अगर मन पड़ा हुआ घर में, फिर तो कथा कैसे सुनोगे। इसलिए बोले भक्ति करने के लिए बोले पांच चीज जरूरत है, ध्यान देकर सुनो, कथा सुनने के लिए भक्ति करने के लिए पांच चीज की जरूरत है। पहला नंबर है लय। लय मतलब होता है कथा सुनते सुनते सोनी नहीं चाहिए, कथा सुनते सुनते सोना नहीं चाहिए, पहला नंबर है। दूसरा नंबर है विक्षेप। विक्षेप का मतलब होता है आप देखना टीवी को सामने तो तीन तीन घंटा बैठे बैठे सीरियल देख लेते हैं, लेकिन आप लोग देखना जब माला लेकर के बैठे ना भजन करने के लिए, माला लेकर जब बैठे हो मन में इतने उचाट सा आता है, बोले अभी तक भी ये माला खत्म नहीं हो रहा है, रोटी ठंडा होने जा रहा है, अभी तक भी ये माला देखना, मन है ना माला लेकर मतलब जैसे शरीर में खिलमिल मच जाती है, कब माला खत्म हो, बोले नहीं जितना समय माला जप करोगे एक मन से बैठ करके भगवत नाम जप करो, एक मन से, दो मन नहीं, मन को उसमें लगा करके हृदय से पुकार पुकार करके प्रभु की नाम जप करनी चाहिए, लय विखे। उसको बाद में बोले अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब है कथा सुनते समय मन और कहीं नहीं जाए, जैसे भरत महाराज आगे कथा सुनेंगे, ये भरत महाराज जिनका नाम पर ये भारतवर्ष हुआ है, इन्होंने सब कुछ छोड़ करके तो भजन के लिए गए, लेकिन उनकी अंतिम समय में भजन करते समय उनकी आसक्ति हिरण में हो गया और दूसरे जीवन में वो हिरण बन के जन्म हुए हैं। इसलिए भक्ति करते समय मन एकाग्र होनी चाहिए। जो चौथा जो चीज है रसास्वाद। रसास्वाद का मतलब है जब ये भगवान के नाम करते हो, एक बार हाथ उठा सकते सब, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हमारे बार बोलो बोले हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। बोले ये माला करते समय और किसी चीज को चिंतन मत करो। देखना कभी कभी माला जप कर ले, हाथ भी चल रहा है, मुंह भी चल रहा है, लेकिन जो मन है ना किसी दोस्त के पास में चला गया, नहीं तो सिनेमा हॉल में चली गई, नहीं तो गोलगप्पे की दुकान में चला गया, लेकिन इधर हरे कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन मन वहाँ पर नहीं, मन और कोई चीज के आस्वादन कर रहे हैं। तो उसी तरह अगर कथा अगर एक मन से सुनोगे ना, बस सारे बंधन से जन्म मृत्यु दुख कष्ट से हमें निष्कृति मिल जाएगी। इसलिए बोले देखो कथा केवल एक व्यक्ति धुंधुकारी सुना, इसलिए रथ आया। गोकर्ण ने कहा सुन लिया, हम सात सात दिन तक कथा तो सुने लेकिन हमारा लिए रथ नहीं आई। देखो कल से फिर दो बारा मैं कथा सुनाऊंगा, सबके सब एक मन से ये कथा को एक मन से सुनना, फिर सबके सबको हमें भगवत गति की प्राप्ति होगी। उनने दूसरे दिन उन्होंने पूरा गांव वालों को सबको बुलाया, बोले देखो कथा से पहले आना, कथा से पहले आना और एक मन से कथा सुनना, फिर तो सात दिन में हमें भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। फिर दूसरे दिन उन्होंने पूरा गांव वाले सबके सब कथा से पहले आए और सबके सब एक मन से कथा सुनी, और जब कथा समाप्त हो गई ना सभी के लिए रथ आया और सबके सब रथ में बैठ करके ठाकुर जी की पास में चले गए, सबके सब ठाकुर जी की पास में चले गए। देखो अब लोग कथा सुनोगे, कथा नियम से सुननी चाहिए। बोले कथा सुनने का पहला नियम क्या? बोले पहला नियम है बिना खाए पिए सात दिन तक कथा सुनो। बोले भैया हम तो बिना खाए पिए सुन ही नहीं सकते हैं। बोले नहीं तो सात दिन तक घी पी पी कर कथा सुनो। बोले घी पिएगा तो पेट पतला हो जाएगा। बोले अगर ऐसे नहीं सुन सकते हो सात दिन तक फलाहार करके कथा सुनो। बोले हाँ फलाहार करके तो कथा सुन सकते हैं। बोले अगर इसमें दिक्कत हो ना, बोले एक टाइम तो फलाहार करो और एक टाइम ही भोजन कर लो, एक टाइम फलाहार और एक टाइम ही बढ़िया से भोजन कर लो। ये जो नियम को सबसे बढ़िया नियम बताया, ये सबसे बढ़िया नियम है। कहते अगर इसी से भी काम नहीं चलता है तो जितना बार खाने का खाओ कोई बात नहीं, लेकिन ये कथा एक मन से कथा सुनो। लेकिन जो बढ़िया नियम है ना, एक बार फलाहार करो और एक बार भोजन करो, ये सबसे बढ़िया नियम बताया। अगर ऐसे कोई सात दिन तक कथा सुनेगा एक मन से, आप जो मांगोगे भागवत कथा से, भागवत कथा तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देगी, सारी इच्छाओं को पूरी कर देगी। ये सबसे बढ़िया नियम है। इसलिए कल से आप लोग टाइम से आना और टाइम से कथा को विश्राम देंगे, ठीक है? हाँ हरे कृष्णा। ओ हमारे हरि बोल, यहाँ पर हमारे राम कुमार प्रभु जी, हाँ इधर इधर आ जाओ। जीत प्रभु जी आप लोग ये बताओ कितने से कितने तक कथा होने पर आप लोग आ सकते हो, बताए बताओ कितने से कितने तक आ सकते हो, फिर उतना से उतना समय तक हम कथा करेंगे। बताओ कितने से कितने समय तक बताओ। हाँ कितने से लेकर के 5 बजे से बता, 5 से लेकर कितने बजे तक बता, 5 से लेकर कितने बजे तक, 8 बजे तक, ठीक है? 5 से लेकर के हाँ है कितना बजे तक, 4 बजे से, 4 से लेकर कितने बजे तक, हाँ 4 से लेकर 8 बजे तक, नहीं 4 बहुत बहुत अभी बहुत गर्मी है, आप लोग खुद नहीं आओगे कथा में। देखो ये हम चाहते हैं सबके सब कथा सुने टाइम पर और सबके सब ये फल मिले, इसलिए ऐसे समय बताओ जो कि टाइम से टाइम जैसे कथा सुन सकते हो, ठीक है? 5 से लेकर 8 बजे तक, ठीक है? कल 5 से 8 बजे तक कथा को हम विश्राम दे रहे कथा को। अभी आप सबके सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी एक भजन गाएंगे और ये भजन में सबको नृत्य करना, सबको भजन में नाचने का, ठीक है? गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आज सबके सब प्रसाद लेकर के जाना, हरे गाना की दीवानी बन जाओगे, गाना की दीवानी बन जाओ, दीवानी बन जाओगी, बस दीवानी बन जाओगे।
जाऊंगी बसानी मनी जाऊंगी हरे काना की जिंदगी बन जाओगे जीवनी बन जाओगी पुस्तनी बन जाओगे जीवनी बन जाओगी पुस्तनी बन जाओगे जीवनी बन जाओगी
सभी लोग हाथ के लिए खड़े हो जाए। हे गिरिधर निज आरती गा, हे गिरिधर आरती गा, प्यारे तुम कवि छाओ, आरती गा प्यारे तुम कवि छाओ, कृष्णा के बिहारी के लिए आरती छाओ, माँ के बिहारी के लिए आरती छाओ। तेरे Thank you.
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।